ताकि कलाम में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और उसके 20 आयत से लेकर 29 आयत तक, रेवलेशन चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 20th टिल 29th, लुकाश्वा 2 बाब 20 आयत से 29 आयत तक इस तरीके से लिखा हुआ है। और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख मैं उसे खाट पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसियाएं जान लेंगे कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं और मैं तुम में से हर एक को उसको कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैं भी ने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू का धन्यवाद देते हैं जिसके वसीले से खुदा बाप के सामने आने का हमको फजल हासिल होता है। आज हम प्रभु आपके कदमों पर आए हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं जो कि हमसे फैलन फैलन कॉलर हुए हैं, हम उन्हें कबूल करते हैं, क्षमा मांगते हैं और विनती करते हैं कि आप हमारे पर दया करें, रहम करें, अनुग्रह की चादर हमारे पर ढेल उड़ा दें जिससे हमारा नंगापन दिखाई ना दे बल्कि आपकी रास्तबाजी नजर आए, क्योंकि आप हमारे हवसित केनु हैं। मेरी जबान को छुकर पाखरू से मसा कर ताकि तेरी बातें बोल सकूँ। सुनने वालों के हृदय कान का खतना करे, पाखरू का मसा दे ताकि आपकी आवाज़ सुनकर समझकर कबूल कर सकें। आपकी मर्जी हम सबों की ज़िंदगी में पूरी हो जाए। खुदावन्द अपनी मौजूदगी में हम सबों को ब्लेस करें। यदि कोई किसी प्रकार के बंधन में ग्रस्त में आया है, शैतान के शिकंजे में कस कर आया है, आज वो आज़ाद किया जाए चाहे वो किसी रूप का क्यों ना हो। ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ़ रखें। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर उसके भवन में आने का मौका मिला है, उसकी मनोहरता को हम निहारते हैं इस रूप में, गानों के द्वारा, भाजों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रचार के द्वारा। ये सब बातें मिलकर हमको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान करती हैं, एक ऐसा हमको भोजन प्रदान करती हैं कि हम आत्मिक रूप से आनंदित और उत्साहित हो जाते हैं। इस दुनिया में वाकई में परेशानी है, दुख, संकट, मुसीबत है, लेकिन खुदा के कदमों में ही केवल शांति और खुशी, आनंद पाया जाता है। इसलिए एकांत में रहें तो उसके साथ रहने की कोशिश करें, जब कलीसिया रूप में आए तो उसके साथ रहने की कोशिश करें, जहाँ भी मौका मिले, समय मिलता है, उसके साथ रहने की कोशिश करें। उसके वचन और आत्मा में बने रहना ही खुदा की संगति में रहना होता है। जब इकट्ठे होते हैं तो एक अलग ही मज़ा होता है और जब हम अकेले में खुदा के साथ होते हैं वो भी एक अलग किस्म का ही मज़ा होता है। तो पिछली बार हमने देखा था ये इजाबेल का ये जो टॉपिक चल रहा है थुआतीरा का, अर्थात डोमिनेटिंग फीमेल, और डोमिनेटिंग फीमेल ना कोई औरत है बल्कि कलीसिया है और एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन डिनोमिनेशन है जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में सारे संसार को अपने शिकंजे में कसे हुए है। और किस प्रकार से हमने देखा था, हमें बहुत थोड़ा समय मिला था, कि किस प्रकार से करोड़ों ट्रू क्रिश्चियंस को, बिलीवर्स को इन्होंने मारा है। राज इनके साथ है, आर्मी इनके साथ है, पुलिस इनके साथ है, कोर्ट कचहरी इनके साथ है। ये सब लोग जो कि इनक्विजिटर्स हुआ करते थे, एक पोप इनोसेंट III जो था उन्हें 1232 में एक ट्रिब्यूनल बनाया था
और इस ट्रिब्यूनल का मकसद था कि जो भी हमारे साथ नहीं है दुनिया भर में, रोमन चर्च के साथ जो भी नहीं है, उन सब को आपने पकड़ना है, उन पर मुकदमे चलाना है, उनको हेरेटिक और बागी करार देना है और उनको सजा देना है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेना है, परिवारों को जला करके राख कर देना है और सबको मौत के घाट उतार देना है। यदि वो हमारी अधीनता स्वीकार करते हैं तो ठीक, वरना उनके लिए सब सजाएं हैं। और इनके लिए जो भी इनक्विजिटर्स ठहराए गए थे उनको अधिकार था कि अपने डिफेंस में आपको मौका मिले या ना मिले, कोई जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि आप बागी हैं, आप रोमन चर्च की बात नहीं मानते हैं, इसलिए सीधे आपको आग से जला करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कि आपको, अगर वो मुनासिब समझे कि आप वकालत करें तो आपको मौका मिलेगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से बहुत बड़ी मारकाट हुई। आपने देखा था किस प्रकार से स्मिथ फील्ड, जो इंग्लैंड की, वहाँ लाखों करोड़ों क्रिश्चियंस को जान से मारा गया है, कोबम का ब्लड कौन भूल सकता है, बार्थोलोमी मसाकर कौन भूल सकता है, फ्रांस का, स्पेन का, मैड्रिड का, पेरिस का, जो कत्लेआम किया गया, इटली में कत्लेआम किया गया, ज़बरदस्त तरीके से करोड़ों लोगों को जो क्रिश्चियंस थे उनको मौत के घाट उतारा गया। केवल इतना था कि तुम रोम की हुकूमत नहीं मानते। इंग्लैंड में कम नहीं हुआ, बहुत बुरी तरीके से मारकाट हुई है। बोनन कार्डिनल के बारे में आपने सुना था, इस प्रकार से महान निर्दयी दरिंदगी के किस्म से उसने क्रिश्चियन लोगों को मारा है। क्वीन मेरी, जो ब्लडी मेरी के नाम से जानी जाती है, इसकी बहनें थी सगी एलिजाबेथ और एक थी लेडी जेन ग्रे। लेडी जेन ग्रे को उनके फादर ने नॉमिनेट कर दिया था कि मेरे मरने के बाद ये रानी बनेगी। एडवर्ड की डेथ के बाद लेडी ग्रे जो थी उसको केवल 5 दिन के लिए रानी बनाया गया और 5 दिन के बाद ही क्वीन मेरी ने अपने नकली और फसली, क्योंकि क्वीन मेरी का झुकाव रोम की तरफ था और जीन मेरी जो थी ये प्रोटेस्टेंट, मतलब उस टाइम तो प्रोटेस्टेंट नहीं थे लेकिन ट्रू बिलीवर कहलाते थे, उस तरफ झुकाव था। लेकिन क्वीन मेरी ने अपनी बहन को पकड़ के 5वें दिन में ही झूठे मुकदमे खड़े करके बिना वकालत किए सीधे मौत के घाट उतारने के लिए खड़ा कर दिया। उसको लाया गया, फांसी के फंदे पर लाया गया और चॉपिंग ब्लॉक पे उसको सब खड़ा करके, उसकी प्रेयर सब लिखी हुई है जो दुनिया में आज तक है, उसने क्या प्रार्थना करी, क्या आशीर्वाद दिए, क्या क्या रिक्वेस्ट किया। उस समय जीन ग्रे जो थी, जो कि रानी थी, उसकी उम्र केवल 17 साल की थी और गिलफोर्ड जो कि हस्बैंड थे उसके, वो भी ड्यूक थे, उनकी भी उम्र थोड़ी ही थी। और इसको चॉपिंग ब्लॉक पे ला करके उसकी बहन ने अपनी आंखों के सामने उसका गर्दन कटवा के साफ कर दिया और कब्जा इंग्लैंड की हुकूमत पे कर लिया। उसी के 4 दिन के बाद उसके हस्बैंड गिलमोर है, उसको भी जान से मरवा दिया, उसको भी काट दिया गया टुकड़े, मतलब आंखों के सामने कटवाए जाते थे, मरवाए जाते थे, उसका जलाए जाते थे, सारे शहर में घुमाए जाते थे लाशों को ताकि लोग भाग, हिम्मत ना करें रोम के विरोध में जाने के लिए। बहुत बुरे खून खराब हुए, स्पेन ने तो हद कर दी, पुर्तगाल ने हद कर दी और इतनी बुरी तरीके से ट्रू बिलीवर्स को मारा है कि किसी प्रकार से खात्मा ही कर दिया जाए। हर पास्टर बिशप कहलाता था, क्योंकि बिशप बाइबल की तरफ से जो बिशप वर्ड है, पास्टर के शब्द बिशप होता है, इसलिए हजारों लाखों बिशप जो थे मारे गए। ईस्ट वेस्ट के झगड़े हुए, कॉन्स्टेंटाइन पोल अलग हुआ, बिशप जो एरियस था जिनके नाम पर एरियंस कहलाने लगे, ये लीबिया का था, लीबिया जो अफ्रीका है, लीबिया है, यहाँ पर ईस्टर्न ब्लॉक था और दूसरा वेस्टर्न ब्लॉक रोम से काम किया करता था। 20-25 बिशप्स को इकट्ठा मरवा करके बिशप एरियस ने जब बाद में कानून लागू किया है तो जो भी एरियंस होते थे अथवा बिशप एरियस की बात मानते थे उनको तो जान बख्श दी जाती थी और जो नहीं मानते थे उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। जलाना, जिंदा जलाना, टुकड़े करना, बुरी तरीके से फड़वाना, कटवाना, सींचों से छिल देना बोरों में, ये कॉमन मौत के तरीके थे जिसकी वजह से क्रिश्चियन मारे जाते थे। बस केवल एक काम था, क्या तुम रोम की अधीनता स्वीकार करते हो, जो रोम का पोप कहता उसको मानते हो, बस। अगर हाँ तो जिंदा छोड़ दिया और अगर ना तो फिर निर्दयता से मारे जाते थे। ये सब आपने पिछली बार देखा था किस प्रकार से बुरी तरीके से क्रिश्चियन लोगों को मारा गया। आज हम देखेंगे कि खुदावन शिकायत कर रहा है और शिकायत क्या कर रहा है,
पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। इजबेल तो अभी आएगी आएगी, लेकिन इजबेल का खेल कैसे आ गया? इजबेल कोई और नहीं बल्कि रोमन कैथोलिक चर्च का यहां पर दृष्टांत दिया जा रहा। यह प्रकाशित वाक्य की भाषा है और पुराने जमाने में इजबेल थी। इजबेल कौन थी? एतबाल एक राजा था, सीदोन का राजा एतबाल था, उसकी बेटी थी। बहुत सुंदर थी और बहुत फैशनेबल थी और ये इसराइल का पड़ोसी देश था। ये लोग मूर्ति पूजक लोग थे, सूर्य देवता और अस्तोरे देवी की पूजा करने वाले थे। एतबाल उस देश का राजा भी था और उस देश का महापंडित पुजारी भी था। इसराइल का राजा अहाब हुआ करता था। अहाब राजा ने कि पड़ोस के देश से लफड़ा झगड़ा ना हो, पॉलिटिकल रीजन से कि हमारे देश में शांति बनी रहे, पड़ोसी देश की लड़की इजबेल से शादी कर ली। समध्याना हो जाएगा तो ससुर दामाद के ऊपर हमला तो नहीं करेगा, दोनों देश मिलकर के साथ साथ चलेंगे। इसलिए पॉलिटिकल शांति को बनाए रखने के लिए अहाब जो कि इसराइल का राजा था, उसने इजबेल अर्थात सीदोन की राजा की लड़की से शादी कर ली। इजबेल एक ना केवल लड़की ही थी खूबसूरत फैशनेबल, बल्कि वो अस्तोरे देवी जिसे चंद्रमा कहते हैं और बाल देवता जिसे सूर्य देवता कहते हैं उसकी पुजारंत और भक्तन थी। शादी हो गई इनकी और शादी होने के बाद सोचा कि बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन खूबसूरती के चक्कर में कई एक जोरू के गुलाम हो जाते हैं और कई लोग अपने अधिकारों को बेच देते हैं। संदेश तो यहाँ तक बताता है कि अहाब ने अपना बर्थ राइट इस खूबसूरत बीवी के चक्कर में बेच दिया और उसका गुलाम बन गया। नाम के लिए केवल अहाब राजा था इसराइल का, लेकिन हुकूमत उसकी पत्नी इजबेल किया करती थी। और इतना ही नहीं हुआ, इजबेल ने शोमरोन जो कि राजधानी थी इसराइल की, शोमरोन में दो बड़े बड़े गवर्नमेंट के पैसे से दो बड़े बड़े मंदिर बनाए, भव्य मंदिर, बहुत बड़े। एक तो बाल देवता का मंदिर और दूसरा अस्तोरे देवी का मंदिर, और खुद उसकी चीफ पुजारिन बन गई और बहुत सारे चेले चपाटे पुजारी ट्रेनिंग दे करके ट्रेंड कर दिए और इसराइल में जबरदस्त बाल और अस्तोरे देवी की पूजा होने लगी। जो यहोवा का कहलाता था देश, वहां पर अस्तोरेत की पूजा चालू हो गई। पहले तो प्यार मोहब्बत था, शादी ब्याह थी, पॉलिटिकल रीजन से शांति बनाए रखना था। धीरे से इजबेल के द्वारा ये बुत परस्ती आई और इसने इतना जबरदस्त प्रकोप वहां पर फैलाया कि कुछ समय के बाद एलिया जैसा महान नबी उसको भी जान से मार डालने के लिए इजबेल ने फौजी भेज दिए। और केवल इजबेल ने नहीं भेजे बल्कि अहाब राजा ने भेज दिए और कहा कि एलिया को पकड़ के लाओ, जान से मार डालो। अहाब से बोल करके एलिया चला गया कि देखो, क्योंकि देश में बुतपरस्ती है, तूने देश को बिगाड़ दिया है, यहोवा से भटक गया है, लोगों के आगे बुरी एग्जाम्पल रखी है, इसलिए सुन, मैं आकाश बंद कर देता हूँ, ना ओस गिरेगी ना बारिश होगी, सारे देश में हाहाकार मचेगा। और एलिया चला जाता है। फिर 3.5 साल नाले में रहता है, कौवे खिलाते हैं करीत नाले में, वो उस बेवा के घर में जा करके रहता है, विधवा के घर में जा करके रहता है। और अल्टीमेटली 3.5 साल में अकाल और बुरा मौत ने आकर के इसराइल को डस लिया। ये उस वजह से था कि अहाब ने अपनी पत्नी इजबेल के कहने में आकर सूर्य देवता और चंद्रमा की पूजा चालू कर दी और यहोवा को छोड़ दिया। और एक समय तो ऐसा भी आया, इतना परेशान हो गया एलिया नबी और कहता है, वो दौड़ के जाता है, जान बचाता है, छिपता है, अल्टीमेटली होरे पहाड़ की चट्टान में जाके छुप गया। और वहां पर जब यहोवा उससे पूछता है, एलिया तेरा यहाँ क्या काम, यहाँ क्यों आया है, क्या बात है, एलिया कहता है, खुदावंद मेरे तेरे नाम के खातिर इतनी जलन हुई क्योंकि सारे इसराइलियों ने घुटने टेक दिए हैं बाल देवता के आगे, केवल अकेला मैं बिलीवर बचा हूं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक देश जो यहोवा का था उसमें केवल मैं अकेला बचा हूं। इतने 10-15 सालों में
इजाबेल ने इतना प्रकोप फैलाया है कि सारे, आज के जब भाषा में कहें, सारे क्रिश्चियंस को उसने बुतपरस्त बना दिया, सारे इसराइलियों को, यहोवा वालों को, सारा बाल और अशोरा का पुजारी बना दिया, भक्त बना दिया। और एलिया कह रहा है, खुदावन मैं अकेला बचा हूं और जान बचाकर मैं यहां गुफा में आया हूं। तब खुदावन ने कहा, एलिया तुझे लगता है तू अकेला बचा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं छिपे हैं, 7,000 इसराइली ऐसे हैं। अब आप बताइए, 20-25 लाख की आबादी में केवल 7,000, ये खुदा कह रहा है, खुदा का स्टेटमेंट है। 20-25 लाख की आबादी है इसराइल देश की, और सारे के सारे यहोवा से भटक गए हैं, और अब केवल 7,000 बचे हैं जिन्होंने अब तक बाल की अधीनता स्वीकार नहीं करी है। तो क्या रेशो बचा, क्या परसेंटेज बचा? इजाबेल की मार देख रहे हैं आप, और वो मेरे पीछे पड़ी है कि मुझे भी जान से मार डाले, ये किया था इजाबेल ने। मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया, आप पढ़ लीजिएगा राजाओं के इतिहास में। तो इजाबेल एक ऐसी खतरनाक खूबसूरत औरत है, है? और अगर आप इसको देखना चाहें तो पहला राजा और उसका 16वां अध्याय, पहला राजा 16 अध्याय, ये पूरा चैप्टर तो आप बाद में पढ़ लीजिएगा अपने घर। और उसकी तैंतीस आयत तक, यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओम्री का पुत्र अहाब इसराइल पर राज करने लगा, और इसराइल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज करता रहा। इसराइल का मतलब है 10 गोत्र एक अलग देश बनना था जिसे इसराइल कहते थे, और 2 गोत्र यहूदा और लेवी का अलग था जिसको यहूदा का राज्य कहा जाता था। तो यहूदा के राजा अलग होते थे 2 गोत्रों के, और 10 गोत्रों का इसराइल का राजा अलग हुआ करता था। और ओम्री के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजाबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया, और उसने बाल का एक भवन शोमरों में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई, और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इसराइली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इसराइल के खुदा यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। शादी चाल देखिए, शादी जवानी में सभी ने करना चाहते हैं और होना चाहिए। शादी के लिए इसराइल में लड़की नहीं मिली 20 लाख में से। वो पॉलिटिकल और कैलकुलेटिव दिमाग से चला करते हैं वो अक्सर बहुत मुखी खाते हैं। अहाब ने सोचा कि एक खूबसूरत लड़की है इजाबेल, और रानी है, समझ लो राजा की बेटी है, राजकुमारी है, इससे शादी करके बड़ा अच्छा रहेगा। एक तो खूबसूरत यही है, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, बढ़िया है, और 2 देशों में समझाना हो जाएगा तो झगड़े युद्ध वगैरह सब सेट हो जाएंगे। ये एतबाल जो राजा था कौन? सीदोन का। दरअसल ये भी खतरनाक आदमी था। इसने अपने से पहले सीदोन के राजा फेलेस का मर्डर किया था। ऐसी नहीं बन गया राजा, इसने फेलेस राजा का मर्डर किया, पुजारी होने के नाते से मर्डर किया धोखे से, और मर्डर करके राज को हत्या लिया और राजा बन गया। इस हत्यारे की बेटी थी इजाबेल, जिसके अंदर हत्यारों का खून भरा पड़ा हुआ है, जो कि जीन्स में चला आ रहा है, और आगे रंग दिखाएगा कि हत्यारे की बेटी कैसी होती है। अजीजो, रिश्ता तो शादी का केवल यह सोच के किया कि सब कुछ ठीक ही रहेगा, लेकिन आज इतिहास इस बात को बता रहा है ये ठीक ही नहीं रहा। इस कहते ना बिलीवर और अनबिलीवर क्या मेल जोल, अंधकार का ज्योति के साथ क्या लगाव, मसीह का बलियाल के साथ क्या नाता, ये जो मिसमैच हुआ करते हैं
जो कि एक बिलीवर और अनबिलीवर की शादी हो जाती है, अरे कुछ नहीं बाद में बना लेंगे, चर्च ले आएंगे, हो जाएगा, फेथ में आ जाएगी, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। व्यवस्था विवरण 13 में क्या खुदा ने कहा था, इन पराई जातियों की लड़कियों को ना अपने घर में लाना और ना अपनी लड़कियों को उनके यहाँ देना, क्योंकि ये तुम्हारे लड़कों का ईमान बिगाड़ देंगी और तुम नष्ट हो जाओगे। बाहर से लड़की लाओगे वो तुम्हें लड़के को बिगाड़ देगी, अपनी लड़की दोगे वो वहां जाके खत्म होके मर जाएगी, उसे मजबूरी में वही रहना करना पड़ेगा जो उसका पति बोलेगा। तो ये रॉन्ग अलायंस में मत जाना। लेकिन जब राजा ने ही कर दिया ऐसा, ये वो लड़की नहीं है रूथ की तरह जो मुआबिन थी कि तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू गड़े वहां मैं गड़ूं, जहां तू मरे वहां मैं मरूंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। ये खुदा को स्वीकार करके खुदा के पीछे चलती हुई नहीं आई है। ये नौमी की तरह नहीं है, वो रहाब की तरह नहीं है जो सलमोन से इसलिए शादी कर रही कि तेरा खुदा तेरा सब कुछ मेरा ही होगा। ये तो केवल हम और आप हैं, आप मेरे मैं आपकी, मुझे आप चाहिए आपको मैं चाहिए, ये वाला ध्यान रखना। जब भी कभी ऐसे रिश्ते आए आपके या आप करने लगो, जब भी कभी रिश्ता आए आपके पास कि कोई नहीं शादी कर लेते हैं, सारे फैक्टर्स तो ठीक हैं, पढ़ाई लिखाई शक्ल सूरत घर गृहस्थी फैमिली बैकग्राउंड नौकरी चाकरी सब ठीक है, और कल को फिर फेथ में आ ही जाएगी, या लड़का हो तो कल को फेथ में हम आ ही जाएगा, हम उसको गोशियन बुला लिया करेंगे, वो कन्वर्ट हो ही जाएगा, वो कन्वर्ट हो ही जाएगी, इस धोखे में मर मत जाना। बाद में नहीं होता, बॉलीवुड में देख लो सब अपनी अपनी चला रहे हैं, हॉलीवुड में सब अपनी चला रहे हैं, ऐसी हिंदुस्तान और दिल्ली में भी होता है। जो लड़का या लड़की खुदा को स्वीकार करके पहले खुदा के कदमों में आता है और पूरी तरीके से, ये नहीं काम चलाओ कि यार चलो तुम्हारी खातिर कर लेते हैं, दो चार महीने करना पड़ेगा फिर तो हम अपने दिखाएंगे दिखाएंगे, क्योंकि हमें तो तुमसे मतलब है, हमें तुमसे शादी करना, तुम मंदिर ले चलो, मस्जिद ले चलो, गुरुद्वारे ले चलो, जहां ले चलो, शादी तुमसे करना है। ऐसी लड़की भी और ऐसा लड़का भी बेकार है जो आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। ये बहुत बड़ा, कार्ल मार्क्स जैसे हैं बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने कहा है कि धर्म एक ऐसी ताकत है कि आदमी भूखा मर जाता है उस धर्म की आस्था के खातिर, अपना प्राण तक त्याग देता है। ये एक ऐसी पावर है जो इंसान को बंद करके रखती है, रिश्तेदारी को भूल जाता है, दोस्ती को भूल जाता है, हजारों चीजों को भूल जाता है, लेकिन जो आस्था से भरा हुआ है वो अपनी आस्था को कभी नहीं छोड़ता। जो पक्का आस्था से भरा कभी नहीं छोड़ता, उसको मरना मंजूर है, उसको भूखा रहना मंजूर है, जेल जाना मंजूर है, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा जो आस्था रखता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, काम चलाओ की नहीं कर रहा, और काम चलाओ तो वैसे गए, गंगा गए तो गंगाराम और जमुना गए तो जमुना दास, जैसे जिस जैसा देश वैसा भेष। ये जिनका कोई ईमान नहीं धर्म नहीं, जो थाली के बैंगन इधर से उधर लुढ़कते रहते उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो केवल इसलिए शादी कर रहा है या कर रही है कि केवल लड़का लड़की पसंद है, जब फेथ का मामला आएगा तो क्या बोलेगा, अच्छा ये भी करना पड़ेगा, ये भी होता भाई, ये तो भूल जाओ तुम, ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। और लड़की भी कहेगी, सुनिए हमने आपसे शादी करी, इन खटकर्मों से नहीं करी है, क्या ये भी मुझे करना पड़ेगा, अभी उतारना भी पड़ेगा, मुझे भी विधवासा बनना पड़ेगा, मुझे भी घुटने टेक के दुआ करना पड़ेगी, मुझे भी हाथ उठा के वर्शिप करना पड़ेगी, मुझे भी इतना ज्यादा चर्च जाना पड़ेगा, तीन तीन घंटे बैठना पड़ेगा, मैं नहीं बैठ सकती। फिर उसके बाद क्या होगा, शादी तो हो गई, फिर ये नरक, ये जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए बताया गया था व्यवस्था विवरण में, ऐसे मिस अलाइनमेंट में मत जाना। लेकिन अहाब ने वही किया जो खुदा ने मना किया था, और इस स्त्री ने आकर के, ये इसलिए नहीं आई थी कि आपके साथ मिलकर के यहोवा के पीछे चलेगी और कहेगी भाई बड़ा मजा आया, मैंने सच्चे खुदा को पा लिया, ना जी ना, वो तो पुजारिन थी पक्की। आपने देखा था अपोलो देवता का मंदिर, उसके मेन गेट पे पुजारिन बैठती थी जो तीन पहिए वाले स्टूल पर बैठकर भविष्यवाणी और भाषण दिया करती थी,
सेम यही काम इजाबेल किया करती थी। इजाबेल वहां मचान पे बैठती थी और पुजारियों को जो असिस्टेंट थे उनको भाषण दिया करती थी कैसे पूजा पाठ करना है, कैसे संस्कार करना है, कैसे जन्म मृत्यु के कार्यक्रमों को संभालना है। इन सारे कामों को इजाबेल सिखाया करती थी। वो तो उनकी प्रोफेटेस थी और बाइबल ने कहा तू उस भविष्यवक्तिन इजाबेल को, इजाबेल भविष्यवक्तिन कब थी? वो बाल देवता की भविष्यवाणी किया करती थी, अशेरा की भविष्यवाणी किया करती थी और बताती थी मुझे मेरे पास ऊपर से बाल देवता का आदेश आया है, मेरे पास अशेरा देवी का संदेश आया है, जनता से बोलो ऐसा करना है, ऐसा करना है, और जो ना करे उसके लिए तलवार है। तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है, ये तो भ्रष्ट है ही। अहाब को भ्रष्ट किया इसने, सारे इसराइल देश को भ्रष्ट किया और जो भी इसके साथ रहेगा उसको भ्रष्ट ही करेगी। इसराइली लोग जब निकल के आए थे तो रास्ते में सोने के बछड़े की उपासना करी थी और हजारों मारे गए थे, बाद में चल के खुदा ने बदला लिया और मारा सबको। तो इसराइली लोग जानते थे हम मिस्र में रहकर आ रहे हैं, मिस्र में भी सुखार देवता की पूजा होती है, नील नदी की पूजा होती है, ग्रहों की पूजा होती है, तो हमने इन सबको देखा है, लोग पूजा पाठ करते हैं। हम लोग हिंदुस्तान में रहते कि नहीं, हमने अपने चार चार पूजा पाठ देखे कि नहीं, इसराइल जो अफ्रीका में रहते उन्होंने देखी कि नहीं। इसी प्रकार से इन इसराइलियों ने पिछले 40 साल छोड़ो उससे पहले 400 साल इन्होंने खूब पूजा पाठ देखी थी, वो उससे वाकिफ थे लेकिन खुद करते नहीं थे। लेकिन जब इजाबेल आई तो इसने काम किया कि सुनो इस पूजा को अब तुम्हें करना पड़ेगा, दिस इज गवर्नमेंट ऑर्डर। जब सरकारी ऑर्डर आएगा अहाब की तरफ से छाप लग के जो डिक्टेशन दिया है इजाबेल ने, तो किसकी मजाल है जो उसको डिसोबे कर सके? जिसने डिसोबे करना है करो, उसको मौत के घाट उतार दो। एक छोटा सा केस है, नाबोद की बारी लेना थी। यार एक जमीन का टुकड़ा क्या होता है, एक छोटी सी अंगूर की बारी थी उसको लेने के लिए, अहाब नहीं ले पाया। इजाबेल ने दो लफंगे लुच्चे झूठे गवाह ठहराए और क्या कहा, इसने यहोवा के नाम की बदनामी करी है और यहोवा के नाम को गालियां दी हैं, लिहाजा जो यहोवा के नाम को गाली देगा उसके लिए एक सजा थी व्यवस्था में, उसको मौत के घाट उतार दो। नाबोद के ऊपर झूठे इल्जाम लगा के उसको जान से मरवा दिया और उसकी जमीन पर कब्जा करके अहाब से कर ले, मैं तो दे दे काय कर रहा है। He was so intelligent, so diplomatic, so political minded. आप सोचिए कैसी खतरनाक थी वो। अरे बड़े बड़े काम करना था, देखो औरतों का जमाना, थुआथीरा का युग, डोमिनेटिंग फीमेल, इजाबेल रानी, तो अब इनके जलवे देखे फिर। और धीरे से क्या हुआ, सारा इसराइल बाल और अशेरा के घुटनों पे आके बर्बाद हो गया। केवल वो 7,000 बचे, या कहो एलिया एंड कंपनी बची थोड़ी सी बस। ये ओरिजिनल कहानी थी जो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दी, बाकी ये चैप्टर आप पढ़ लेना बाद में। यही काम किया रोम ने। इजाबेल वहां पर देखिए, शायद को पढ़िए ठीक से। इजाबेल को अब्राहम की बेटी नहीं है, ना विश्वासियों की बेटी है, ये तो बाहर से आई हुई है। यहां लिखा दूसरा अध्याय 20 आयत, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने बाप को भविष्यवक्तिन कहती है। अपने आप को क्या कहती है? मैं प्रॉफिटेस हूं, दस से द लॉर्ड बोलती हूं, जो मैंने कह दिया वो मेरा कलाम नहीं है, खुदा का अहकाम है, कलाम है और तुम्हें मानना पड़ेगा। भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को, मेरे दास अर्थात यहोवा के, जो यहोवा के दास हैं, इसराइली लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनको क्या कहती है, व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। ये प्रसाद खा लियो कोई परेशानी नहीं है, मूर्तों के आगे के बलिदान खा लो कोई परेशानी नहीं है, ऐसा करने के लिए व्यभिचार कर लो कोई नहीं है तो चलता है। बाइबल में व्यभिचार का मतलब होता है स्पिरिचुअल सेंस में खुदा को छोड़कर किसी और की पूजा पाठ करना, किसी और के आगे माथा टेकना, किसी और देवी देवता को मान लेना, बाइबल के अनुसार उसे आत्मिक व्यभिचार कहा जाता है। तो व्यभिचार करवाती है अर्थात यहोवा को छोड़कर
बाल और अशेरा की पूजा करवाती है, ये प्रोफेटेस है, ये काम किया इजाबेल ने। एक ब्लॉक दिमाग में रखे रखना। अब एक दूसरा ब्लॉक दिमाग में लेकर के आइए, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बहुत जोरदार बात बता रहा है याकूब। एक अभिलाषा, एक इच्छा होती है, एक डिजायर होती है, बस एक छोटी सी इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, जो आपको ऐसी परीक्षा में डाल देती है कि आप पाप में पड़ जाते हैं और पाप करने के बाद आप मर जाते हैं। चर्च में क्या हुआ? एक छोटा सा काम था, छोटी सी फीलिंग थी, जिसको कहते थे निकोलाइटन। निकोलाइटन को बहुत बड़ा तोप और बम थोड़ी था उस समय। निकोलाइटन जो थोड़े से लोग थे, गिनती के इक्का दुक्का थे, निकोलियों के कुछ काम थे, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा बम नहीं है जो कलीसिया को फोड़ के तबाह कर देगा, एक छोटा सा खेल है बस। लेकिन उन निकोलाइटन के छोटे से कामों ने जिनको नजरअंदाज किया गया या जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई कि खतरनाक हो सकते हैं, थोड़े समय के बाद वो निकोलियों के जो काम थे निकोलियों की डॉक्ट्रिन बन गए। डॉक्ट्रिन मींस शिक्षा। अब आपको ये काम करना पड़ेगा, ये काम किया जाना चाहिए, ये अच्छा होता है, ये हमारे यहाँ का तरीका है, हमारे यहाँ की शिक्षा है, हमारे यहाँ का सिस्टम है। थोड़े समय में जो निकोलाइटन के डीड्स थे वो डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट हो गए। अब डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट ही नहीं हुए, केवल थोड़े समय के बाद इस डॉक्ट्रिन ने स्टेट को, गवर्नमेंट को गले से लगा लिया, सरकार के साथ मेल खा लिया, किंग के साथ, राजा के साथ इस डॉक्ट्रिन ने मेल खा लिया, दोस्ती कर ली कॉन्स्टेंटाइन ने। और जब स्टेट और पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों मिलकर एक हो गए और पीछे से फंडिंग चालू हुई, बढ़िया बढ़िया पैसे आना चालू हुए, जब पैसे आने लगे, बिल्डिंग्स बनने लगी, आर्टिकल्स आने लगे, तो फिर ये छोटे से जो डीड थे निकोलाइटन के, जो डॉक्ट्रिन बन गए थे, अब तो अनबेंडिंग, ना झुकने वाले कानून हो गए। और थोड़े ही समय के बाद उसी चर्च में पगानिज्म, मूर्ति पूजा अंदर धीरे से आ गई। अब मूर्तियों के आगे झुकने लगे, चाहे वो जीसस की हो, चाहे मेरी की हो, सेंट पीटर की हो, सेंट जॉन की हो, चाहे फ्रांसिस की हो, और धीरे धीरे मूर्ति पूजा और धूप बत्ती अगर बत्ती जलाना चालू हो गया। और थोड़ा ही समय गुजरा था कि ये कलीसिया, ये रोम का चर्च, एक प्रोफेटिस जेजबेल की तरह लेक्चर देने लगा, शिक्षा और आदेश देने लगा, और मेंबरों को पालन करना कंपलसरी हो गया, और जिसने नहीं माना उसको मौत के घाट उतार दिया, और मानने वालों को नरक की आग की झील के लिए बुक करके तैयार कर दिया, सेकेंड डेथ। जिस प्रकार से इजाबेल की शादी है, थोड़ा उठना बैठना है, एक तीज त्योहार है, थोड़ा सा सेलिब्रेशन है, लोगों को पसंद आ गया है, बाद में इम्पोज कर दिया गया और रूल बन गया और मौत के घाट उतार दिया ना मानने वालों को। उसी प्रकार से रोम ने एक छोटा सा काम निकोलाइटन का शुरू किया, बाद में वो डॉक्ट्रिन बन गई, फिर वो गवर्नमेंट के साथ मिल गया, राजा के साथ मिल गया, रूल बन गए, फाइनेंस आ गए, और फिर सबको आत्मिक मौत के घाट उतार दिया गया। तो जिस प्रकार से बाइबल कंडेम कर रही है इस प्रोफेटेस इजाबेल को, या उसको अप्रिशिएट कर रही है, कंडेम कर रही है ना, उसी प्रकार से बाइबल कंडेम कर रही है
मॉडर्न जेजबेल अर्थात ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को, जो मनुष्य अपने बुद्धि से बनाता है और खुदा की अगुवाई और वचन और आत्मा को साइड में कर देता है, जिसकी स्टार्टिंग 325 एडी में कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा हुई थी, रोम के द्वारा, पोप के द्वारा उस पर कब्जा किया गया और आज सारे संसार में फैला हुआ है। तो इसराइली लोग पहले तो गड़बड़ थे ही थे, इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन जैसे ही इजाबेल ने कब्जा लिया, उसके बाद तो डेडली फैशन में ऐसा रात और रात ऐसी महामारी की तरह ये फैला है बाल और आशेरा का चक्कर, कि सारे के सारे इसराइली बर्बाद हो गए। तो कॉन्स्टेंटाइन ने जब चर्च की शादी करी, चर्च मैरिड टू कॉन्स्टेंटाइन द पॉलिटिक्स, ध्यान रखना, जब भी चर्च पॉलिटिक्स के साथ मेल करेगा या शादी करेगा या संबंध बनाएगा, वो चर्च मर जाएगा। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स व्हेन जॉइंट टुगेदर दे आर डेड। कहने की आवश्यकता नहीं है, पवित्र आत्मा अपने आप छोड़ के चला जाएगा और वहां पर मौत होगी। तो कॉन्स्टेंटाइन जो था, कहने को क्रिश्चियन बन गया था, लेकिन था वो बुतपरस्ती, और उसने क्या करा था कि क्रिश्चियन नाम लेकर के बुतपरस्ती बाद में चालू कर दी थी। देखिए, कॉन्स्टेंटाइन कोई बिलीवर नहीं था, ये वही कॉन्स्टेंटाइन है जिसने अपने फौजियों के ढालों पर, हथियारों पे, तलवारों पे व्हाइट कलर के क्रॉस बना दिए थे। ये वही कॉन्स्टेंटाइन है जिसने सेंट सोफिया चर्च के ऊपर सबसे पहले क्रॉस बनाई थी। वो आज तक ट्रेडिशन चला रहा है कि चर्चेस के ऊपर क्रॉस बनी रहती है। नाइट्स ऑफ कोलंबस, उसका ओरिजिनेटर कॉन्स्टेंटाइन दी ग्रेट ही रहा है। और तो और, इसने क्या किया कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस 325 ईडी में करी थी जिसका मकसद था कि बिलीवर क्रिश्चियंस और अनबिलीवर भी और वर्शिपर्स जो हैं पेगन्स, बुतपरस्त, इन सबको मिला करके एक रिलीजन बना दो। आप सभी जानते हैं, बिलीवर्स को बुलाया, बुतपरस्तों को बुलाया, अनबिलीवर्स को बुलाया और कहा सब मिलकर के भाईचारे में एक हो जाओ। ये नाइसिन काउंसिल का निचोड़ था, उसमें अच्छे विश्वासी लोग भी आए थे और आए, उन्होंने कहा कि चलो हम भी चलते हैं भाई। और जब उन्होंने देखा नहीं तो उल्टी सीधी बातें, ये कॉन्स्टेंटाइन तो उल्टी सीधी बातें कह रहा, अच्छा ये भी एडजस्ट कर लो यार, इतना इनको भी लेना है तो उनका सपोर्ट लेना है तो इनको भी एडजस्ट कर लो यार, इनकी भी दो बातें ले लो, उनकी भी वर्शिप ले लो, इनका भी ले लो। जब इस बात को देखा, जो ट्रू बिलीवर्स थे, उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि भैया सुनो, ये ओरिजिनलिटी नहीं है कॉन्स्टेंटाइन साहब, जो यीशु मसीह का संदेश है वो ये है, वो ये है, वो ऐसा नहीं है, या आप क्या कर रहे हो। जब लोगों ने नहीं माना, जो ट्रू बिलीवर्स थे, उस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बोले ये अपने पास धरो, हम चलते हैं, और छोड़ के चले आए। आप जानते हैं, ये रही पुरानी नाइसिन काउंसिल जो कि रोम की थी। अब आज की लेटेस्ट काउंसिल कौन सी है? आज का लेटेस्ट काउंसिल जो रोम ने स्टार्ट करी, जो 1928 से चल रही है, जिसका नाम है एक्यूमेनिकल काउंसिल। एक्यूमेनिक वर्ड का मतलब है यूनिवर्सल, ये लैटिन वर्ड है। एक्यूमेनिक मींस यूनिवर्सल, सारे संसार में चलने वाली। एक्यूमेनिकल काउंसिल का मकसद है सारे धर्म के, जाति के लोगों को इकट्ठा एक छाते के तले ले आओ, एक कॉमन रिलीजन बनाओ जो मानवता पे आधारित हो, जिसका चीफ पेट्रन पोप होगा और उसका जो असिस्टेंट होगा वो प्रोटेस्टेंट का चीफ, जो बिशप ऑफ कैंटरबरी कहलाता है, वो उसका असिस्टेंट होगा और सबको वो मजहब मानना पड़ेगा कंपलसरी, मानवता पे आधारित होगा, और इसका जो चीफ होगा वो पोप होगा, जिसको एक्यूमेनिकल मूव कहते हैं। और इस एक्यूमेनिकल मूव को चलाने के लिए जिस बॉडी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको कहते हैं वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, जिसकी बैठकें, मीटिंगें होती रहती हैं एशियन लेवल पर, अमेरिकन लेवल पर, यूरोप लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर,
इवन स्टेट लेवल पर भी होती हैं, और आज दुनिया के जितने भी रजिस्टर्ड चर्चेस डिनोमिनेशन हैं, वो सब थ्रू वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस एक्यूमेनिकल मूव के सदस्य बोनाफाइड बन चुके हैं। इजाबेल के देखिए पंजे कहां तक चल रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है, एक्यूमेनिकल काउंसिल के आधार पर एक बाइबल, आज की बात है 25-30 साल हो चुके हैं, एक्यूमेनिक बाइबल छप चुकी है। एक्यूमेनिक बाइबल जो है वो एक्सी बाइबल है जो क्रिश्चियन को भी सूट करेगी, जो यहूदी को भी सूट करेगी, जो बुत परस्तों को भी सूट करेगी, जो सारे धर्मों को सूट करेगी। इसलिए एक्यूमेनिकल बाइबल में से वो सारे आर्टिकल्स निकाल दिए गए हैं जैसे यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही, इसके अलावा कोई नहीं है, इसको निकाल दिया है और ये कर दिया है यीशु मसीह भी उद्धार करता है। बाकी तो और हैं, ये उद्धार करता है, हर धर्म में उद्धार करता है, तो जीसस इज ऑल्सो वन ऑफ देम, यीशु मसीह भी उद्धार करता है। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह कुमारी मरियम से पैदा हुआ, उसको हटाओ और उसे हटाकर एक्यूमेनिकल ने चेंज किया है, यीशु मसीह एक स्त्री जिसका नाम मरियम था उससे पैदा हुआ, कुमारी साफ, यीशु मसीह मरियम औरत से पैदा हुआ। अब औरत तो शादीशुदा भी हो सकती है और अनमैरिड भी हो सकती है, लेकिन कुमारी तो कुमारी ही रहेगा। इस प्रकार से हजारों चेंजेस किए गए हैं बाइबल में, जिससे दूसरे धर्मों को, बुत परस्तों को, यहूदियों को, और पूरे समझो बॉलीवुड वालों को, हॉलीवुड वालों को कोई आपत्ति नहीं है। तो एक्यूमेनिकल बाइबल छपी हुई है, आप दिल्ली में चले जाओ मिल जाएगी, आप कैथेड्रल में मिल जाएगी, दिल्ली में बहुत है, सब जगह भाषाओं में ट्रांसलेट हुई पड़ी है। क्यों? क्योंकि एक नाइसिन काउंसिल, जैसे अहाब ने करी थी, देखिए यूनियन, अहाब ने अनबिलीवर इजाबेल के साथ एक यूनियन करी थी और मौत आई थी। कॉन्स्टेंटाइन दी ग्रेट ने एक यूनियन करी थी सब रिलीजन की और पॉलिटिक्स की और मौत आई। लेटेस्ट वर्जन में एक और यूनियन चल रही है एक्यूमेनिकल, सारे धर्मों की, सारे देवी देवताओं की, जिसका चीफ पोप है, जिसको एक्यूमेनिकल काउंसिल कहते हैं, और यह भी मौत लेकर के आ रही है। तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। प्रोफेटिस किसे कहते हैं? जो कहे कि यह है एहकाम, यह है ऐलान खुदा का, मुझे खुदा से वचन मिला है और तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूं कि मानो। जो ऑर्डर आज का प्रॉफिट है, फॉल्स प्रॉफिट जिसे पोप कहते हैं, आज की जो प्रॉफिटेस इजाबेल है जिसे रोमन कैथोलिक चर्च कहते हैं, वो इस प्रकार के ऑर्डर्स रिलीज करती है कि ना कि वहां पर जाके सारे धर्म वाले यहूदी भी सब जाकर के करके आ रहे हैं, रोम में करके आ रहे हैं, पोप के यहाँ करके आ रहे हैं, पोप इन्वाइट कर रहा है, हर देश का राष्ट्रपति वहां पर जा रहा है, वो भी जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, हर धर्म का बंदा जाके अपनी पूजा पाठ कर रहा है, और ये भी सब जगह जाकर के सब एकता 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 के बंध में बंधते चले जा रहे हैं। यही काम तो किया था इजाबेल ने, यही किया था कॉन्स्टेंटाइन ने, और यही कर रहा है आज पोप अर्थात रोमन चर्च जिसे इजाबेल कहते हैं। तो उसने अपने पंजे फैलाए थे तब, और ऐसे पंजे फैलाए हुए आज है ना, तो इसकी पूजा पाठ चल रही है जबरदस्त तरीके से। When Ahab married Isabel for political reasons, he sold his birthright. You join up with an organization and you sell your birthright. Brother, whether you want to believe it or not, this is the truth. जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा, अब आप सब समझ चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से समझाया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये अपने क्रीड्स एंड रूल्स बना लेते हैं, जिसे बाद में डिनोमिनेशन शब्द दे दिया जाता है, और फिर वो रूल तोड़े नहीं जाते हैं, वो रूल को मानना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड बॉडी हो जाती है अंडर सोसाइटीज एक्ट और ट्रस्ट एक्ट। जैसे ही अहाब ने शादी करी, बर्थ राइट खो दिया। बर्थ राइट क्या होता है? खुदा का याजक होना खत्म हो गया, डबल पोर्शन बरकतों का मिलना खत्म हो गया। खुदा के यहां जैसे एसाव था, एसाव ने बर्थ राइट भेज दिया तो उसका डबल पोर्शन चला गया, उसका अपना राइट कि वो घर का याजक है वो भी खत्म कैंसिल हो गया।
यहां तक कि उसकी साल्वेशन भी निकल जाती है। बर्थ राइट के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना अपना बर्थ राइट बेचना है, जिस प्रकार से एसाव ने किया है और जिस प्रकार से कॉन्स्टेंटाइन ने किया, और सारे के सारे डिनोमिनेशन में जा करके खत्म हो गए। जैसे इसराइल ने ज्वाइन किया था आहाब के जमाने में, उसी प्रकार से स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल जब यूनिटी एक होती है निसिया काउंसिल में, तो समझ लो उस देश का, उस जाति का, उस धर्म का अंधकार, डार्कनेस आ गई। और आप देख रहे हैं डार्क एजेस, ये जो थुआथीरा का काले डार्क पीरियड क्यों कहला रहा है, क्योंकि यहां पर रिलीजन और पॉलिटिक्स ने मिल करके स्पिरिचुअलिटी को खत्म कर दिया, खो दिया, और अंधकार शैतान का छा गया चर्चेज में, और सच्चाई ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रही थी। अश्तोरेथ और बाल की ऐसी जबरदस्त मूर्तियां बनाई कि पूरा का पूरा देश उसमें आकर के वर्शिप किया करता था। आहाब ने पैसा दिया। अब आप देखिए, जो सच्चाई पे चलने वाले लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे बहुत मुश्किल से हो पाते हैं कि अपनी इबादत के लिए एक बिल्डिंग भी बना पाए। वो कभी किराए पर, कभी किसी के घर में, कभी स्टोर हाउस में ऐसे किया करते हैं। लेकिन एक बार आप हाथ मिला लो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का मतलब राजा से, तो वो कहेगा अरे यार तुम्हें, तुम लोग कितने लोग हो? कह जी हम लोग 200 लोग हैं। कहाँ करते हो किराए? अरे यार तो अपना बिल्डिंग, एक काम करो मैं ऑर्डर कर देता हूँ और आपको प्लॉट वहाँ फ्री अलॉटमेंट हो जाएगा। हमारे दिल्ली में अलॉटमेंट होता है, लेकिन आपका चर्च रजिस्टर्ड होना चाहिए। फायदे जब कॉन्स्टेंटाइन ने दिए, ये फायदे जब अहाब ने किए कि लोगों को फ्री में मंदिर बन जाए, फ्री में चर्च बन रहे हैं, फ्री में हॉस्टल बन रहा, स्कूल बन रहा, कॉलेज बन रहा, सब कुछ पार्सनेज बन रहा। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर, आपके पास एक राजा की बैकिंग, गवर्नमेंट की बैकिंग आ गई है। बस एक काम करना पड़ेगा, जो कुछ भी हिसाब किताब होगा उस कायदे कानून से होगा जो कि रजिस्ट्रेशन में लिखे हुए हैं। इतना आप कर लो, पदाधिकारी आप मतलब के बना लो, वो पोस्ट जो पोजीशन है अपने अपने अपनों को दे लो, जो आपके वफादार लोग हैं, आपके अपने जो आपके साथ ना बेवफाई करेंगे, ना गद्दारी करेंगे, ना धोखा करेंगे। ये जैसे लगता लाख लाख साल की उम्र लेकर के आए, कभी मरेंगे तो है नहीं, ये रिटायर तो होंगे नहीं कभी, बुढ़ापा तो आएगा नहीं इनको कभी। जब कॉन्स्टेंटाइन ने पैसा दिया तो चर्च बिल्डिंग्स बनने लगी, ऑल्टर्स बनने लगे, चर्च में मूर्तियां खड़ी होने लगी, धूप और अगरबत्ती जलने लगी, और फिर एक ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की सत्ता चालू हो गई कि अगला पास्टर कौन, अगला बिशप कौन, अगला कार्डिनल कौन। अब भाई साहब इलेक्शन होगा तो उन्हीं कानून के आधार पर होगा। आपने देखा कितने रिलीजियस मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में, कितने चर्चेस के मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, कितने मंदिरों को चर्चेस मुकदमे चल रहे हैं, मस्जिदों के मुकदमे, अरे बाबरी मस्जिद का चल रहा है, राम जन्मभूमि का चल रहा है, कितने चर्चेस के मुकदमे चल रहे हैं। क्यों भैया? आपको न्याय चाहिए ना, तो आपने रजिस्टर्ड कराया है तो उस नियम के मुताबिक जो लिखित हुए में है आपको न्याय दिलवाया जाएगा। इससे मतलब नहीं आपकी धर्म पुस्तक क्या कहती है, इससे मतलब नहीं आपका खुदा क्या कहता है ना। तो ये वाला काम कॉन्स्टेंटाइन ने किया था 325 एडी में कि चर्चेस को ऑर्गेनाइजेशन बनाया, डिनोमिनेशन बनाया, और अल्टीमेटली उनके बर्थराइट छिनवा दिए। अजीजों, ऐसी बातें सुन करके लोगों को बड़ा कुछ कड़वाहट का सा तजुर्बा भी होता है, लेकिन हम उसको साफ करना चाहते हैं। हम किसी इंसान के विरोध में नहीं हैं, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो रोमन कैथलिक हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, कोई भी हो, हम किसी इंसान के विरोध में नहीं हैं। हम तो उस सिस्टम के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस डिनोमिनेशन के जो कि खुदा की बातों को रद्द करके फेंक देता है और अपनी गलत बातों को लागू करके धर्म के नाम पर, खुदा के नाम पर लागू करता है, उस सिस्टम के हम विरोध में हैं,
उस ऑर्गेनाइजेशन के विरोध में है, डिनोमिनेशनल जो ताना बाना है उस सिस्टम के विरोध में है, वहां पाए जाने वाले लोगों के विरोध में नहीं हुआ। तो एक से अच्छे लोग हैं, एक से एक सज्जन लोग हैं, एक से एक बढ़िया लोग बाग हैं, और उन्हीं में से कितने लोग हैं जो निकल के आते हैं और खुदा की सेवा और खिदमत करते हैं और बड़े नामी ग्रामी हैं। मार्टिन लूथर कहाँ से निकल के आए, वो उसी सिस्टम में थे। जॉन वेस्ली कहाँ से निकल के आए, उसी सिस्टम में थे। पौलुस रसूल कहाँ से निकल के आया, वो भी उसी सिस्टम में था। किसी को भी उठा करके देख लो इतिहास में, जो सच्चे ताबड़ तोड़ स्ट्रॉन्ग बिलीवर हुए हैं, वो सभी लोग किसी ना किसी सिस्टम में कहीं बंधे हुए थे। वहां से जब निकल के बाहर आए हैं, तब खुदा की आजादी में आकर के खुदा का अनुग्रह पाया, पवित्र आत्मा पाया, संदेश पाया, वचन पाया, सामर्थ पाई, और फिर वही लोग हैं जो महापुरुष कहलाते हैं। ऐसे ही हम भी निकले हुए लोग हैं। हम सब भी कहीं कहीं सिस्टम में बंधे हुए थे, लेकिन जब सिस्टम में से हम बाहर निकल के आए, हम स्वतंत्र हुए, तब हम खुदावन के कलाम पे, सच्चाई पे चलने के योग्य हो पाए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका है, पहले आपको प्यार से बुलाता है, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाता है, कुछ सुविधाएं देता है, और उसके बाद धीरे धीरे खुदा का वचन हटा हटा करके ऑर्गेनाइजेशन की क्रीड्स, डॉगमास, रिचुअल्स, इनको लाके इंप्लीमेंट कर देता है, और कुछ ही समय के बाद आप एक खोखले धर्म के मानने वाले बन जाते हैं। बताइए कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक भी दुनिया में, कौन सा ऐसा डिनोमिनेशन है जो 100% बाइबल को फॉलो करने की छूट देता है, एक भी 100% बाइबल को फॉलो करने की पूरी छूट है, कौन सा डिनोमिनेशन है, एक भी बताइए दुनिया में, एक भी नहीं है। तो फिर क्यों ऐसा है, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने के साथ अपने कानून, अपने क्रीड, अपने नियम बनाए हुए हैं, वो नियम को चला सकते हैं लेकिन फुलनेस में खुदा के कलाम को नहीं। इसीलिए हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है, हम उस सिस्टम के विरोध में हैं जिसके विरोध में बाइबल भी है। बाइबल इस प्रकार के ऑर्गेनाइज रिलीजन के विरोध में है, शुरू से रही है और आज भी है और आखिर तक रहेगी। तो वी आर अगेंस्ट दैट सिस्टम ऑफ डिनोमिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द ह्यूमन बींग्स। वहां एक से एक हीरे, एक से एक बड़े लोग पाए जाते हैं, और खुदा जिस दिन उनकी समझ खोलेगा, रोशनी आएगी, उस दिन वो भी अपनी बेड़ियों को तोड़ करके निकल आएंगे। चाहे पुराना नियम देखें, चाहे नया नियम देखें, हमेशा खुदा के बच्चों को गुलाम बनाया है मनुष्य की बिगड़ी हुई तालीम ने। आपने देखा था कि इस थुआतीरा के काल में अपोलो की वर्शिप होती थी, और अपोलो के साथ साथ एम्परर की वर्शिप होती थी, जिसको कहा जाता था हर बुरी आफत को ये टालने वाला है, हर अपशगुन ना हो जाए, कहीं बुरा ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए, उन सबसे अगर बचना है तो अपोलो का मंत्र ले लो। मरने के बाद क्या होगा, कहीं हमारी आत्मा तड़पती ना रहे, परेशान ना होती रहे, इसके बारे में अपोलो बताएगा, ये वाला संस्कार कर लो तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तुम्हें अपना भविष्य संभलवाना हो तो कर लो, किस प्रकार से मंदिर में उपासना होगी, कैसे मंदिर के संस्कार माने जाएंगे, इन सबको अपोलो देवता अर्थात वो एम्परर बताएगा। खुदा की सेवा कैसे होगी, कुर्बानियां कैसे चढ़ेंगी, डेथ आफ्टर लाइफ क्या कुछ होता है, ये सारे जो शिक्षा है, जो फिलॉसफी है, जो संस्कार हैं, इन सबको बताने वाली जो शक्ति है वो अपोलो देवता माना जाता था। और अपोलो देवता का मतलब है, अपोलो की बातें कौन लाता था, प्रोफेटेस इजाबेल। और बाद में यही आज की, ये आज का अपोलो कौन है, आज का अपोलो पोप है, और पोप उस सारे संदेश को लेकर के आता है जिसे सबको मानना पड़ता है। तो चाहे कुछ भी करके देख लो, ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है, औरत जिसको दर्शाती है वो खुदा के वचन को डिनाई करता है, और क्योंकि वो डिनाई करता है उसकी अपनी बातें हैं, अपनी खुद बातें कहता है। दे हैव पावर नॉट ओनली इन लाइफ बट इन डेथ,
अरे जिंदा जिंदा है जब तक तो इसकी अधिकार चलता ही है, मरने के बाद भी चलता है। ये अपोलो सिखाता था, ये इजाबेल सिखाती थी, और आज का अपोलो क्या सिखाता है कि मरने के बाद भी हमारी चलती है। एक LIC का बड़ा जबरदस्त स्लोगन है, क्या वे रसल भाई, जीवन के साथ भी और जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अपोलो कहता है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। क्या अपोलो कहता है, जीवन जब तक है तब तक तो हम हैं तुम्हारे साथ, और मर गए तो चिंता ना करो, परगेटरी में से निकालने का भी अधिकार हमारे पास है। परगेटरी कहां से आ गई, बाइबल में तो है नहीं। देखिए अगर आप डिनोमिनेशन बनाएंगे तो क्रीड्स बनेंगी जरूर। परगेटरी कहते हैं मरने के बाद व्यक्ति अगर नरक में जाता है तो उसकी आत्मा तड़पती रहती है और बहुत कष्ट में परेशानी में होती है। तो रोमन कैथलिक एक डॉक्टर है जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ परगेटरी, वो ये कहती है अगर आप अपने दिवंगत अजीज की आत्मा को नरक की तड़पन से निकाल के स्वर्ग में पहुंचाना चाहते हो तो कुछ दान दक्षिणा करो, हम पहुंचवा देंगे। कुछ आप कष्ट झेलो, उपवास रखो, कीलों के कांटों पे चलो, कीलों पे सो, हाथ बांध के लटको छतों पे, अपने आप को कष्ट दो, जैसा कि अपोलो के जो बिचौलिए कहे। आप गए फादर, फादर हम चाहते हमारे दादाजी को, हाँ दादा तो तुम्हारा बहुत दारूबाज था, ये था, वो तो नरक में है, तो दादाजी को किसी प्रकार से फादर जी कुछ करो ऐसा इंतजाम कि वो भी स्वर्ग में आ जाए। वो तो दादा बहुत खतरनाक आदमी था, तो वो कॉस्टली आइटम है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी 1-1.5 लाख में हम कर देंगे काम। चर्च में इतना इतना आपको फंड देना है और आपको 30 दिन का उपवास रखना पड़ेगा और हर एक फ्राइडे को आकर के यहाँ पर माथा टिकाना पड़ेगा, सेंट फिलोमिना के आगे आके ये करना पड़ेगा, वहाँ पे ये करना पड़ेगा, और आपको 1 हफ्ते तक बिल्कुल एकदम जमीन के ऊपर सोना पड़ेगा और प्रतिदिन आपको 2 घंटे एक पैर के बल खड़े होना पड़ेगा। ठीक है फादर, मंजूर है। 1.5 लाख दिए, सब कुछ दिए, और फादर ने सर्टिफिकेट और लिख करके दे दिया कि आपके दिवंगत दादाजी जो नरक में थे अब वो स्वर्ग में चले गए हैं, अब आप खुश रहिए, अच्छी कमाई है। तो यही काम करता था अपोलो और यही काम करता आज का अपोलो। परगेटरी, they teach the prayers and masses and money will get you out of the purgatory and into heavens. पैसा आपको नरक से निकाल के स्वर्ग ले जाएगा, तब तो धनवानों को बहुत आशा है, धनवान लोग तो फिर नरक में जाएंगे ही नहीं। क्यों भाई, बता दो टोटल कितना लगेगा, पूरा खर्चा बता दो, 1000 रुपए हमारी तरफ से और फालतू। They have power not only in life but in death. They teach their own doctrine. है कहीं बाइबल में ऐसा? यीशु मसीह ने क्या बताया लूका की इंजील में, धनमान और लाजर? इब्राहिम कहता है अगर हम आना भी चाहें तो हमारे तुम्हारे बीच में कैसी खाई ठहराई गई है कि तुम यहां नहीं आ सकते पैराडाइज में और हम नहीं जा सकते तुम्हारे पास हेल में। ये बाइबल टीचिंग है, लेकिन रोमन पोप की अपोलो की टीचिंग क्या है कि बाद में भी ट्रांसफर हो सकता, बहुत सारे काम हैं। एक बिशप थे डोनेटिस्ट, उनके एरिया से इस बात में बड़ी झगड़ा हुआ था, उन्होंने कहा हम नहीं मानते, कई बिशप उनके साथ थे, उन्होंने कहा हम नहीं मानते कि ये जो रोटी हम खाते हैं प्रभु भोज में यूकरिस्ट, ये वास्तव में यीशु मसीह का बदन है। हम नहीं विश्वास करते कि धूप बत्ती और मोमबत्ती जलाने से खुदा जागता है, हम नहीं विश्वास करते कि मोमबत्ती जलाओ तो पवित्र आत्मा आता है। इस बात पे बहस हुई, झगड़ा हुआ और आखिरकार ऐसों को जान से मार डाला गया। लेकिन रोम ने तो करना ही करना है, बहुत सारी ऐसी हरकतें हैं, शिक्षाएं हैं। अब आप देख लीजिए किस प्रकार से मार रहे हैं। एक बार ब्रदर ब्रैनम के साथ केस हुआ, एक लड़की को उन्होंने बैप्टिज्म दिया था, कुछ समय के बाद वो कैथलिक हो गई। जब कैथलिक हो गई तो जो प्रीस्ट थे उन्होंने कहा कि ब्रदर ब्रैनम मैं आपसे कुछ मिलना चाहता हूँ इस लड़की के केस को लेकर जो हमारी कैथलिक बन गई है। उन्होंने कहा बोलिए।
आपने से बैप्टिज्म दिया था कौन सा? कहले भाई एक ही क्रिश्चियन बैप्टिज्म है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पानी में डुबा के मैंने दिया था, वही है। कहले हाँ हाँ, एक समय था जब हमारे कैथलिक चर्च में भी ऐसा हुआ करता था। उसने कहा कब? वो पुराने जमाने में हम लोग भी यीशु मसीह के नाम में डुबा के दिया करते थे। सेकंड सेंचुरी तक यीशु नाम का बपतिस्मा था, बीच में गायब हो गया थर्ड से। तो भाई बहन पूछते अच्छा आपका मतलब कि जो पोप पॉल जो थे, पीटर थे ना, सेंट पीटर पतरस यीशु मसीह का चेला? हाँ 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 हाँ। चलेगा अगर आप आज भी उसकी बात को मानते रहे इस हिसाब से तो मैं भी कैथलिक हूँ, क्योंकि मैं पतरस की शिक्षाओं को आज तक मानता हूँ जो चल रही हैं। चले देखिए वो तो देखिए बाइबल तो हमारे रोमन कैथलिक चर्च का एक रिकॉर्ड है, समझ लीजिए। मुख्य चीज तो हमारा चर्च है, हमारे चर्च को बाइबल सपोर्ट करती है। बाइबल को हम सपोर्ट नहीं करते, बाइबल हमको सपोर्ट करती है। बाइबल बताती है बपतिस्मा होता है तो ठीक है, वो हमारे यहां तो होता ही है। वो कहता है बाइबल इज द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ रोमन चर्च, जबकि हकीकत क्या है? बाइबल इज द ट्रुथ। बाइबल सत्य है और बाइबल के बाहर जितनी चीजें सब गलत है। सब गलत है का मतलब जो बाइबल से मेल नहीं खाती है। जैसे रोमियों 3:4 में लिखा है सारी मनुष्य जाति झूठी ठहरे, खुदा ही सत्य है। खुदा का वचन केवल सत्य है, सारी मनुष्य जाति झूठी ठहरेगी जो उससे मेल नहीं खाती। लेकिन कैथलिक क्या कहते हैं? दैट बाइबल वाज द रिकॉर्ड ऑफ द कैथलिक चर्च एंड दैट गॉड वाज इन द चर्च। आज भी कहते हैं कैथलिक कि खुदा अपने चर्च में है, इसलिए चर्च ने जो कह दिया समझो खुदा का कलाम है। चर्च ने जो कह दिया, फादर ने जो कह दिया, बिशप पोप कार्डिनल ने जो कह दिया, क्योंकि खुदा उसमें रहता है इसलिए वो खुदा का कलाम है। बाइबल क्या कहती है वो साइड में, दे डोंट बिलीव इन बाइबल। और जैसे पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि वो कहते हैं कि हमारा जो विकार ऑफ क्राइस्ट है वो पोप है, हमारा इनोसेंट थ्री ने जो विकार ऑफ क्राइस्ट अपने आप को डिक्लेयर किया था पहली बार, आज तक दे बिलीव। और इसलिए पोप का जो ट्रिपल क्राउन है उस पर लिखा हुआ विकेरिस फिली डेई, रोम में रखा हुआ है। जो पोप जो क्राउन को पहनता है जिसपे लिखा विकेरियस फिलिडे, जिसका मतलब इंस्टेड ऑफ द सन ऑफ गॉड, खुदा के पुत्र के बदले में अर्थात यीशु मसीह के बदले में वो व्यक्ति है जो इस मुकुट को पहनता है। तो यहाँ तो यीशु मसीह के कहते ना उत्तराधिकारी बदलते रहते हैं, जब एक मर गया तो दूसरा आ गया, वो मर गया तो तीसरा आ गया, चौथा आ गया, यानी 100-150 आ चुके हैं। इतने पोप आते रहते हैं, सारों को गुनाह माफ करने का अधिकार है, फिर भी मर जाते हैं, अपने करवा नहीं पाते हैं। तो चूंकि उनका जीसस, उनका गॉड उनके साथ रहता है, तो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का कौन करे इंतजार? दे डोंट बिलीव इन सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्यों? यीशु मसीह क्या आएगा? हमारा जीसस तो हमारे साथ रह रहा है, हमारा पोप भी तो हमारा गॉड है। क्या कहा था अल्वारेस ने कि जो लोग स्पिरिचुअल आईज से पोप को देखते हैं वो इंसान नहीं बल्कि खुदा दिखाई देता है। ये सब स्टेटमेंट पढ़े थे कि नहीं, है ना? तो आप सोचिए पोप, मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं। रोमन कैथोलिक चर्च के देखिए दावे क्या क्या हैं। पोप जॉन द 23rd, ये पोप जॉन जो 23rd था उसने लिखा माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दीज 3 years एज पोप, पिछले 3 सालों से जब से कि मैं पोप बना हूं मेरा तजुर्बा ये रहा है, सिंस इन फियर एंड ट्रेमलिंग आई एक्सेप्टेड दिस सर्विस, मैंने डरते और कांपते हुए पोप की सेवकाई को स्वीकार किया। इन प्योर ओबीडियंस टू द लॉर्ड्स विल, खुदा की उस मर्जी का पालन किया विच कन्वेड टू मी थ्रू द सेक्रेट कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स इन कॉन्क्लेव, खुदा की उस मर्जी को जो कि कार्डिनल्स की जो कमेटी थी उन्होंने जो कमेटी ने पास करके सेक्रेट कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स इन ए कॉन्क्लेव, एक कॉन्क्लेव हुआ उसमें सारे जो पवित्र कार्डिनल्स हैं वो सब जमा हुए, उन्होंने खुदा की मर्जी को मेरे पास पहुंचाया, क्या कि अगले पोप तुम बनो। तो मैंने कहा ठीक है, इस खुदा की मर्जी को मैं स्वीकार करता हूं। बियर्स विटनेस टू दिस मैक्सिम, और इस मैक्सिम की जो उनकी उपाधि है
उसका गवाही देता है, एंड इज ए मूविंग एंड लास्टिंग रीजन फॉर मी टू बी ट्रू टू इट, और मेरे लिए हमेशा तक बने रहने वाली ये इच्छा है और मर्जी है और कारण है कि मैं इसका पालन करता रहूं। एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन गॉड, खुदा में पूरा का पूरा भरोसा करूं। इन ऑल दैट कंसर्न द प्रेजेंट, हर एक बात जो कि वर्तमान से संबंधित है, रिगार्डिंग द फ्यूचर जो भविष्य से संबंधित है, एंड परफेक्ट ट्रैंक्विलिटी एज रिगार्ड्स द फ्यूचर, पूरी पवित्रता से, पूरी वफादारी से इन आज्ञाओं का मैं पालन करता रहूं, इन इच्छाओं का पालन करता रहूं जो कि खुदा की मर्जी मुझे कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के मीटिंग में जो नियत जो तय होती है उससे हासिल होती है। अब आप सोचिए, तो पोप यहां पर क्या दिखा रहा है, गॉड स्पोक थ्रू द चर्च, कि खुदा चर्च के द्वारा बोलता है, रिवीलिंग हिज विल, अपनी मर्जी को चर्च के द्वारा प्रकट करता है, तो झूठी बात है, खुदा अपनी मर्जी को अपने वचन के द्वारा प्रकट करता है, क्योंकि वो इलेक्टेड कार्डिनल्स हैं, इलेक्टेड पोप हैं, इलेक्टेड कॉन्क्लेव है, इसलिए जो कमेटी ने तय कर दिया वो खुदा की मर्जी कहां से है, खुदा की मर्जी तो वचन से आती है। और उसने ये भी कहा है, हिज एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ मैन एंड देयर बाय ओबेड इट विद ट्रैंक्विलिटी, कि जो मनुष्यों ने आज्ञा दी है, जो मनुष्यों ने उसको ओहदा दिया है, जो मनुष्यों ने उसको मर्जी बताई है, उसको पूरी वफादारी के साथ वो पालन करेगा। भैया खुदा की मर्जी कहां गई, देखो किस खूबसूरती से साफ करता है ये पोप लिख रहे हैं जॉन 23, कि जो मेरे को, अब आप बताइए, जैसे पास्टरेट कमेटी होती है डिनोमिनेशन में, पास्टरेट कमेटी होती है, बिशप कमेटी होती है, डायसिस होती है, डायसिस ने जो बात पास कर दी वो वर्ड ऑफ गॉड है, ऐसा लग रहा है जो डायसिस ने बात पास कर दी वो वर्ड ऑफ गॉड है, तो हर डायसिस अपने अपने तरीके की बातें पास कर रहा है, और डायसिस में इतने घपले के मुकदमे चल रहे हैं, डायसिस में इतने लफड़े झगड़े की केसेस की लाइन लगी पड़ी हुई है, डायसिस ऐसी नहीं है जिसमें 50 मुकदमे नहीं है, पदवी के, पोस्ट के, प्रॉपर्टी के, बेचने के, खाने के, चर्च के घपलों के इतने हैं, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और ये सब घपला करने वाले कौन है, सब जो पदाधिकारी हैं, मेंबर थोड़ी कर सकते सब। तो यहां पर पोप, और वहां तो पहले भी आप डेमेसस का पढ़ ही चुके हैं, बिशप ऑफ अलेक्जेंड्रिया का पढ़ चुके हैं, कि हम ऑर्डर कर रहे हैं, दिस इज आवर ऑर्डर, और इसको ऐसे माना जाने से खुदा का ऑर्डर है, तुम खुदा हो गए, कहां है बाइबल, कहते वी डोंट बिलीव इन बाइबल, हम बाइबल पे विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं जो हमारा चर्च बोलता है, जो हमारे चर्च की कमेटी कहती है। आप देख रहे हैं इजाबेल को, अरे इजाबेल मरी नहीं है, इजाबेल तो कई गुना हेल्दी हो चुकी है आज, तब तो अकेली थी इसराइल में मारने को, अब ये जो मॉडर्न इजाबेल है, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है, जो डिनोमिनेशन के रूप में सारे संसार में, कौन सा गांव कस्बा बचा जहां पर उसने अपनी जड़ें फैलानी रखी है, एक छोटा सा बंदा मिलता है, प्रचारक मिलता है जरा सा, वो भी अपने लगाए रहता है कि भैया कभी कोई जरूरत पड़े मैं हाजिर हूं, और मैं फलानी ऑर्गेनाइजेशन से हूं, मेरे पास मेंबर तो केवल 10 हैं, लेकिन आई एम रजिस्टर्ड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। अरे तू भी इजाबेल के आगे बिका हुआ है, इस इजाबेल ने सबको नहीं लिखा है, बाइबल ने क्या बता रही है, जो क्या करती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने, व्यभिचार करने अर्थात खुदा के कलाम से हट करके मनुष्यों के कलाम को मानने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है, भ्रम में डाली कि यही सच्चाई है, इसी में जीवन है, इसी में नजात है, इसी में खुशी है। आप चर्चेज में जाकर के देखे, सेंट मेरी, सेंट जूड, सेंट ये, सेंट फ्रांसिस, यहां से जाकर के देखो सेंट जूड श्राइन पे क्या हाल होता है, सेंट फ्रांसिस गोवा जाकर के देखो। हाँ, मैं पढ़ रहा था, जब इनक्विजिटर अर्थात इंक्विजिटर वो लोग जिनको राजाओं से ज्यादा अधिकार, डायरेक्ट पोप से अधिकार है, वो किसी भी व्यक्ति को जो उनसे मेल नहीं खाता उसको मार सकते हैं, भ्रष्ट कर सकते हैं, लूट सकते हैं, जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इतिहास में ये चैप्टर भी आया कि जब इंक्विजिटर पुर्तगाल पहुंचे
तो पुर्तगाल को उन्होंने स्टेट वाइज डिवाइड कर लिया कि जब पुर्तगाल के 10 हिस्से करें और 10 इंक्विजिटर बैठा दिए और कहा यहां पर वही पालन होगा जो पोप का ऑर्डर आ रहा है। एक इंक्विजिटर गोवा में बैठाया गया इंडिया में, जब मैंने पढ़ा रहा मैंने इसे जरूर पढ़ूंगा, अभी तो हमारे देश की बात आ गई। जब एक इंक्विजिटर पुर्तगाल से गोवा भेजेगा, क्यों? क्योंकि गोवा में सारे पुर्तगीज कॉलोनी है। आप सभी लोग जानते हैं गोवा में जो रोमन कैथोलिक जितने भी हैं, कितने लोग हैं, हजारों की तादाद में। जब यहाँ पर पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा आए, यहाँ पर आकर के पुर्तगीज ने अपना पैर रखा, बिजनेस करा, काम रखा, यहाँ शादियां करी, बच्चे पैदा करे, वो आधे इंडियन थे आधे पुर्तगाली थे। आज तक उनके पास डबल पासपोर्ट पाया जाता है। आज जो पुर्तगाल का जो प्रधानमंत्री है वो भी आधे इंडियन ब्रीड का है। तो पुर्तगीज जो कॉलोनी है गोवा को, गोवा वाले जो है वो आधा मानते हैं, आधे हम इंडियन हैं, आधे हम पुर्तगीज हैं। है भाषा, वो कहते हैं पुर्तगाली हैं भाई, हम पुर्तगाली हैं, और जब काम चलता है इंडिया से तो हम इंडियन है, क्योंकि यही देखो गोवा में पैदा हुए हैं। तो चूंकि गोवा पूरी की पूरे पुर्तगाली कॉलोनी है, इसलिए पुर्तगीज रूल यहां चलता था। और जो पुर्तगाल में रिलीजन था कौन सा था? पोप का था, रोमन कैथोलिक था। इसलिए वही रोमन कैथोलिक धर्म हमारे हिंदुस्तान में पुर्तगीज कॉलोनी गोवा में आया। इसलिए बॉम जीसस का चर्च हो चाहे सेंट फ्रांसिस चाहे कोई सा हो, आप गोवा साउथ गोवा में जाकर के देखो सारा रोमन कैथोलिक भरा हुआ है। तो इतिहास बताता है कि एक इंक्विजिटर गोवा के लिए भी भेजा गया कि गोवा के जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो सब वही कानून पालन करेंगे जो रोम से पोप ने भेजा है, और अगर नहीं साफ। हमारे हिंदुस्तान में कितने मारे गए ये हजारों का तो वहां रिकॉर्ड ही नहीं है। इतिहासकार बताता है कि स्पेन में, पुर्तगाल में जो 40-50 हजार से ऊपर के मसाकर हुए उनके रिकॉर्ड हैं, और जो 10,000-5,000 मार दिए उनका तो कोई इतिहास ही नहीं है। अब आप सोचो 10,000 क्रिश्चियन को मार देना, 5,000 को मार देना एक ही शहर के अंदर, ये कोई छोटी बात है? और 10-5 हजार का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। हाँ कम से कम 20-30 हजार मरे तब तो उसे लिखो भैया, अच्छा चलो यहां भी 25,000 थे जिन्होंने नहीं माना तो हमने मार दिया उन्हें। इस प्रकार के इजाबेल ने, मॉडर्न इजाबेल ने, रोमन चर्च ने ट्रू क्रिश्चियंस को जान से मारा, बहुत बुरी तरीके से। हमारे हिंदुस्तान में भी मारा, गोवा में मारा, और नहीं तो घुटना टेक दो पुर्तगालियों, हिंदुस्तानियों इस रोमन डॉक्ट्रिन के आगे। और लोगों ने घुटने टेक दिए, आज वो दुकानदारी कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं, खा पी रहे हैं। लेकिन जो ट्रू बिलीवर्स थे उन्होंने नहीं टेका। हमारे हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी दो प्रकार से आई है, एक तो थोमा के द्वारा आई थी साउथ से होते हुए, वहां भी काफी मारकाट हुई है। दूसरा जब पुर्तगीज कॉलोनी बनी गोवा में, यहां से रोमन कैथोलिक ने कदम धरा और हिंदुस्तान में क्या पंजाब, क्या बंगाल, क्या बिहार, क्या यूपी, बताओ कौन सा गांव, कस्बा, शहर छोड़ा जहां पर रोमन कैथोलिक ने अपने पैर नहीं फैला रखे हैं। इतने तो थोमा नहीं फैला पाया, वो मार्थोमाइट और सीरन जैकोबाइट में वहीं के वहीं रह गए, और साउथ में काफी कुछ के लिए मारकाट हुई है। लेकिन रोम कैथोलिक, तुम तो सिर्फ गोवा में आए थे भाई, तो गोवा में ही तो हो गए। आप देख लीजिए कहाँ कहाँ, हमारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, हर गांव, गांव में चले जाओ, बिल्कुल पीहड़ों में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, घाटियों में चले जाओ, वहां भी आपको रोमन चर्च मिल जाएगा हर जगह। तो इस प्रकार के, चलिए 21वीं आयत पढ़ते हैं, यहां लिखा हुआ है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है। कितनी बार मौका दिया कि मन फिरा लो, मन फिरा लो, रोमन कैथोलिक चर्च कभी मन फिराएगी? स्टबर्नली नहीं फिराना, कभी नहीं फिरा सकती है। अब इस बात से कंफ्यूज ना हो कि चर्च ऑफ रोम ने कभी भी अपने कत्लेआमों से तौबा किया हो। आजकल पोप सब जगह जाके इस बात के लिए तो सॉरी फील कर रहे हैं
कि बहुत सारे पुराने जमाने के प्रीस्ट ने लड़के लड़कियों के साथ अत्याचार किए हैं, सेक्सुअल एक्ट किए हैं, भ्रष्ट किए हैं, जो आपने सब पढ़ी लिया जानी लिया है, तो बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आजकल ओपनली इस बात को कन्फेस कर रहा है पोप कि पुराने जमाने में हमारे प्रीस्ट के द्वारा बड़े ही अमानवीय अभद्र व्यवहार किए गए हैं, एंड दैट वॉज नॉट गुड। यहां तक तो स्वीकार कर लिया, लेकिन हमने इतने जो करोड़ों क्रिश्चियंस को मौत के घाट उतारा, जान से मारा, जलाया, तड़पाया, फूंका है, उसको स्वीकार कर रहे हैं क्या? आज तक नहीं करा, और लोग चिल्ला रहे हैं, आज प्रोटेस्टेंट चिल्ला रहे हैं कि आप इस बात को सॉरी फील कीजिए, माफी मांगिए, पोप माफी मांगिए कि आपके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को जान से मारा है, और बेवजह जान से मारा है। लेकिन आज तक पोप ने इस वाली बात को स्वीकार नहीं किया और ना कभी करेगा। द चर्च ऑफ रोम हैज रिपेंटेड ऑफ हर स्लॉटर ऑफ द सेंट्स बिकॉज शी इज अटेम्प्टिंग टू यूनाइट विद द प्रोटेस्टेंट बाय मेकिंग हर क्रीड्स टू लाइन अप विद प्रोटेस्टेंट चर्चेस। अरे वो तो प्रोटेस्टेंट चर्चेस को अपने में मिला रहे हैं, तो नरम नरम बातें तो कर रहे हैं, प्यार की बातें तो कर रहे हैं, हम सब एक हैं, भाई भाई हैं, हम सब जीसस के मानने वाले, हम चर्च वाले हैं। अभी एक भाई ने अप्लाई करना था, भाई एडमिशन चल रहे हैं आजकल, कॉलेज में एडमिशन है, स्कूल में एडमिशन, तो बातचीत होती है भाई, कैथलिक स्कूल बड़े अच्छे फेमस स्कूल है दिल्ली में, तो बात करी कि भाई आप क्रिश्चियन हो या रोमन हो। हमने भी का फॉर्म पढ़ा था, किसी का फॉर्म भरा जा रहा था नर्सरी का, तो पास्टर से रिकमेंड कराना था, तो हमारे पास भी ला, हमने कर लाओ कर देते, बच्चा अपने चर्च यहीं का है। तो फॉर्म में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सब तो हो गया, रिलीजन, तो रिलीजन पे दो कॉलम थे, नंबर एक आप कैथलिक हैं पहला रिलीजन, दूसरा रिलीजन क्या आप क्रिश्चियन हैं, और तीसरा रिलीजन अदर्स। वो कह रहे रोमन धर्म अलग है, क्रिश्चियन धर्म अलग है, और बाकी सब तीसरे अलग है, तो आप बताइए आप क्रिश्चियन हैं या आप रोमन कैथलिक हैं। इस धोखे में मत रहना आप कि कैथलिक भी क्रिश्चियन होते हैं, इस धोखे में मत रहना, इनके लिखित रूल में बुक्स में है, इनका जो नाम है धर्म का होली रिलीजन ऑफ कैथलिक्स है, होली रिलीजन ऑफ रोमन कैथलिक्स है, क्रिश्चियन नहीं है। आपके धर्म का नाम यू आर क्रिश्चियन, आप फर्क हैं और रोमन कैथलिक अलग हैं। वो तो छाप के भी देते हैं, लिख के भी देते हैं, और सारे क्रीड्स में है ये लिखा हुआ, तो पूछते हैं वैसे आप हमसे मेल खाते हैं क्योंकि आप लोग भी जीसस को मानते हैं। अरे जीसस को तो राधा स्वामी वाले भी मानते हैं, और जीसस को तो इस्लाम वाले भी मानते हैं, तो हम सब भाई भाई हैं, कैसा लग रहा है? तो कोई परेशानी है ही नहीं भाई, इस्लाम वाले भी जीसस को मानते हैं, और हमारे हिंदू भाई बहन भी ईसा मसीह की बहुत इज्जत कदर करते हैं, सर आंखों पे रखते हैं, चर्च में आते हैं, और राधा स्वामी वाले तो सारी की सारी आधे नए नियम उनका, उनके तो स्क्रिप्चर ही योन्ना की इंजील से शुरू होता है, तो सब क्रिश्चियन हो गए ना। हाँ जी, इन बातों को समझिए, जानिए कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई पे चलिए वफादारी के साथ, श्रद्धा के साथ। नॉट वंस हैज शी इवन अपोलोजाइज्ड, एक बार भी रोमन चर्च ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी है, एंड सेड दैट शी वॉज रॉन्ग फॉर हर मास मर्डर्स, कि हमने जो कत्लेआम किया है, मास मर्डर्स करे हैं, ये हमसे गलती हुई है और हम इसके अपराधी हैं और हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं, कभी नहीं किया। एंड शी वोंट आइदर, और वो कभी ना रिपेंट करेगी ना माफी मांगेगी। एंड नो मैटर हाउ मेलो एंड स्वीट शी अपियर्स एट दिस पर्टिकुलर टाइम, और चाहे कितने प्यार भरे, बड़े नरम, बड़े प्यारे अच्छे से लगे, कोऑपरेट करने वाले लगे कि बहुत अच्छे से हैं, येट विल शी विल येट राइज अप टू किल फॉर मर्डर लाइज इन हर ईविल एंड अनरिपेंटेड हार्ट, और कल को जब नहीं मानोगे
तो आज भी मर्डर करेगी। आपको मालूम है वो बीस्ट, प्रकाशित वाक्य का दुष्ट पशु जो कि सारे दुनिया का कत्लेआम करेगा, वो कोई और नहीं बल्कि पोप ही है, जो हेड ऑफ द रोमन चर्च है, वो ऐसा करेगा। तो कत्ल करती आ रही है, अभी भी कर रही है, आगे भी करेगी। फिजिकल मर्डर भी किया है और स्पिरिचुअल तो थोक में किया हुआ है। तो आप वो जीन्स देख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखा बाइबल में कि उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, लोगों को भरमाती है, बहकाती है, मैंने मर फिराने का मन दिया लेकिन उसने मन फिर भी नहीं फिराया। आगे लिखा है तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा और उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। उसको मौका दिया कि मन फिरा लो लेकिन नहीं फिराया, उसके बच्चे भी मन नहीं फिराते। अगर एक बात आप समझ जाए तो बहुत बढ़िया होगा, और वो ये है कि जिस दिन आपने अपने फेथ को ऑर्गेनाइजेशन से मिला दिया, उस दिन आपकी स्पिरिचुअल डेथ हो गई। इसी को कहते हैं इजाबेल का काम। उसने ऑर्गेनाइजेशन बना देना है, जब तक आप बच सको बच लो, वरना हुआ क्या, मार्टिन लूथर निकल के आए रोमन कैथोलिक गुलामी से आजाद होकर के चले, और मार्टिन लूथर के बाद लूथरन ऑर्गेनाइज हो गए, हुए कि नहीं हुए, एंड दे आर डेड फ्रॉम दैट डे, खत्म हो गया, आत्मिक जीवन खत्म हो गया। जॉन वेस्ली के पीछे मेथोडिस्ट निकल के आए, बढ़िया चले, खुदा के बंदे थे, और जैसे ही मेथोडिस्ट ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, गॉड लेफ्ट देम। पेंटिकॉस्टल निकल के आए, जैसे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, दे आर फिनिश्ड। आप देखिए बड़ी बड़ी कलीसियाएं आ रही हैं और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और आज क्या हो रहा है, लूथरन ले लो, चाहे मेथोडिस्ट ले लो, चाहे सीएनआई ले लो, चाहे पेंटिकॉस्टल ले लो, दे आर जस्ट लाइक हैंड इन ग्लव। एक्यूमेनिकल मूव से ऐसे मिले हुए हैं कि बिल्कुल एक को एक हुए पड़े हैं, और जब एक्यूमेनिकल काउंसिल से मिलकर आप एक हो गए तो स्पिरिचुअली यू आर डेड। अगर वहां से निकल सके कभी और केवल ट्रू वर्ड ऑफ गॉड में आ सके, बाइबल में, तो जिंदगी मिलेगी, अन्यथा नहीं। बट दीज डेज देर इज गोइंग टू बी अनदर कमिंग आउट। अभी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं, आजकल भी एक निकासी होने जा रही है, एंड प्रेज गॉड दे वोंट ऑर्गेनाइज। वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, वो अपना ग्रुप चर्च को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, बैक बिकॉज दे नो द ट्रूथ, क्योंकि वो सच्चाई को जानते हैं। एक ऐसे लोग भी निकल के आ रहे हैं आज, डिनोमिनेशन में से आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में से आ रहे हैं, जिन्हें कहां कहां से आ रहे हैं, ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं। ये लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मतलब है मौत, स्पिरिचुअल डेथ। दैट ग्रुप विल बी द ब्राइड ऑफ द लास्ट डे, और ये वाला ग्रुप होगा अंतिम दिनों की दुल्हन। आजकल एंड टाइम मैसेज में खूब जोरों से चल रहा है, बहुत जोरों से प्रचार हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, रजिस्टर्ड कराओ, सोसाइटी बनाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, कल को मुसीबत आ गई क्या करेंगे, शादी के लिए क्या करेंगे, कब्रिस्तान का क्या करेंगे, प्रमोशन का क्या करेंगे, नौकरी का क्या करेंगे। अरे यही सुविधाएं तो इजाबेल दे रही है, आओ ऑर्गेनाइज करो, रोटी ले जाओ, ऑर्गेनाइज करो, शादी करवा जाओ, ऑर्गेनाइज करो, एडमिशन ले जाओ, ऑर्गेनाइज करो, सुविधाएं ले जाओ। तो आजकल जो इजाबेल के धोखे में बहुत सारे अंतिम समय के विश्वासी भी आए हुए हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कराओ, रजिस्टर्ड कराओ, रजिस्टर्ड कराओ, ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज नबी क्या कह रहे हैं, दैट एंड प्रेज गॉड दे वोंट ऑर्गेनाइज बैक बिकॉज दे नो द ट्रूथ दैट ग्रो विल बी द ब्राइड ऑफ द लास्ट डे। हमें ब्राइड, चाहे नाचो गाओ कूदो चिल्लाओ कुछ भी करो, ब्राइड विल नेवर ऑर्गेनाइज। ब्राइड ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो फिर इतने जो भरे पड़े हैं वो हर कोई दावा कर रहा हमें ब्राइड। अयुब भाई इतने प्लेन स्टेटमेंट हैं, आए मेरे लोगों उनमें से निकल आओ।
आज तो एंड टाइम बिलीवर को जरूरत है एंड टाइम में से निकलने की। जो लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उनमें से निकल आओ। देखिए और सुनिए, ये जो वैश्या है इजाबेल, इसकी बेटी भी वैश्याएं हैं। 17वां अध्याय आपने पढ़ा प्रकाशित वाक्य, बहुत बड़ी वैश्या, वैश्याओं की माता, जो उस पशु पर विराजमान है जो किरमिजी के कपड़े रंग से ढका हुआ है, निंदा के नामों से छिपा हुआ है, वो रोमन चर्च है जिसके हाथ में सोने का कटोरा है और दुनिया भर की व्यभिचार की मदरा से भरा हुआ है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं व्यापारियों ने धंधा किया है। इस रोम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के साथ दुनिया के राजाओं ने, किंग्स एंड मोनार्क्स ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, बड़े बड़े पैसे वाले रईसों ने मेंबरशिप ले करके आत्मिक जिन्हकारी कर रखी है। और इसके बेटे ने, इसकी बेटियां अर्थात चर्च से चर्च ही पैदा हो रहे हैं। और वहां पर क्या हो रहा पहले उसको देख लो। इजाबेल की एक बेटी थी जिसका नाम अतल्या था। अतल्या इजाबेल की बेटी थी। देखो, बाप खूनी एतवाल खूनी, उसकी बेटी खतरनाक खूनी इजाबेल, और इजाबेल की बेटी अतल्या वो भी उसे चार हाथ आगे, क्योंकि ऐसा हुआ है वही जीन चली आ रही है। तो अतल्या जो कि इजाबेल की बेटी है, इसने राजकाज समझाया, डोमिनेटिंग फीमेल, सबको साफ, हम रानी बनेंगे, हम राजकाज चलाएंगे, रानी बन गई। इसकी शादी हुई यहोशापात के बेटे यहोराम से। ये फिर एक गलती हुई यहोशापात से। यहोशापात यहूदा का राजा है और अहाब इसराइल का राजा है। यहोशापात का बेटा यहोराम और इजाबेल की, अहाब की बेटी अतल्या, दोनों की शादी हो गई। और शादी होने के बाद काम गड़बड़ हुआ है, ये काम सही नहीं होना था। देख लीजिए दूसरा राजा 8वां अध्याय, पुराने नियम की तस्वीर और नए नियम की हकीकत दोनों साथ साथ चल रही है। दूसरा राजा 8 अध्याय, उसकी 16 आयत से लिखा हुआ है, इसराइल के राजा आहाब के पुत्र योराम के पांचवें वर्ष में जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज करने लगा। जब वो राजा हुआ तब 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। वो इसराइल के राजाओं की सी चाल चला जैसा आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री आहाब की बेटी थी और वो काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। देख लीजिए, तो इसने गड़बड़ तो किया ही किया यहोराम। अब यहोराम, अब 25वें आयत से पढ़ रहा हूं मैं, आहाब के पुत्र इसराइल के राजा यहोराम योराम के बारे वर्ष में यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राज करने लगा। जब अहज्याह राजा बना तब वो 22 वर्ष का था, यरूशलेम में एक ही वर्ष राज किया, और उसकी माता का नाम अतल्या था जो इसराइल के राजा ओमरी की पोती थी, है ना। अब इसने क्या किया कि एक बार जब अतल्या को खबर मिली कि राजकुमार मार दिया गया है, तो उसने एक काम किया कि जितने भी राजकुमार हैं, जितने भी इसराइल में जितनी रानियों की जितनी भी औलादे हैं, सबको जान से मारो। और इजाबेल ने सबको जान से मरवा दिया, अतल्या ने। ये आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय और 11वां अध्याय तक पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा कि इन तीन ही चारों चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा। 11वें अध्याय की पहली आयत से पढ़ रहा हूं मैं, कुछ आयतें, दूसरा राजा 11 अध्याय पहली आयत से, जब अहज्याह, दूसरा राजा 11 अध्याय, जब अहज्याह की माता अतल्या ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नाश कर डाला। राजा बनेगा तो मेरा लड़का, नहीं तो किसी को बनने नहीं दूंगी।
जब उसका अहज्या नाम का बेटा था, देखा मर गया कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नाश कर डाला। परंतु यहोशेबा ने, जो राजा के योराम की बेटी और अहिया की बहन थी, उसने अज्जा के पुत्र युआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुरा कर भाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया, और उन्होंने उसे अतल्या से ऐसा छिपा रखा कि वो मारा ना गया। अतल्या ने राजवंश को समाप्त कर दिया। आपने पढ़ा था एक एक राजा की कई कई रानियां होती थी, और हर रानी की इच्छा होती थी कि मेरे से पैदा हुआ लड़का ही राजा बने। अगर मेरा लड़का राजा नहीं बनेगा तो दूसरे वाले को बनने नहीं दूंगी, इसलिए कत्लेआम डोमिनेटिंग फीमेल है मामला। अगर मेरा लड़का नहीं बना राजा, अदोनिया नहीं बना राजा, अगीत का पुत्र अदोनिया अगर राजा नहीं बना तो बनने दूसरे को भी नहीं दूंगी, चाहे हूं दाऊद की पत्नी। तो इस प्रकार से औरतों में ऐसी राइवलरी और ऐसी मारकाट हुआ करती थी कि एक दूसरे के लिए कि भाई मेरा बेटा बनेगा, मेरा बेटा बनेगा। अतल्या ने देखा मेरा बेटा नहीं बना, अज्जा मर गया, और सारों को मार डालिया उसने, बाकी जितनी और बीवियां थी ना सबको मार डाल, 70 लड़के थे अहाब के, 70 लड़के थे, 70 को खत्म करवा दिया, बाकी बच्चे को जगह यहून में मार दिया। खैर एनी हाउ, हम जो बात कर रहे थे वो चल रहे थे कि जो इजाबेल की बेटी है अतल्या, उसका भी सेम रोल है, वही हरकतें हैं और वही चरित्र है जो उसकी मां अतल्या का राधा। दे स्टार्ट, एक बड़ी अच्छी बात नबी बता रहा है कैसे लोगों के साथ क्या होता है। दे स्टार्ट इन द ट्रुथ, लोग विश्वास में आते हैं। अब देखिए आपके सामने ये एग्जाम्पल है, लोग बाग सच्चाई में आते हैं और सच्चाई में चलना शुरू करते हैं। दे स्टार्ट इन द ट्रूथ एंड मैरी इनटू ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ समय के बाद ऐसी लालच, मजबूरियां, ऐसे एस्पिरेशंस उनके दिमाग में आते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन से शादी कर लेते हैं, अर्थात विश्वासी लोग ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। दे स्टार्ट इन द ट्रूथ एंड मैरी इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड लीव द वर्ड फॉर ट्रेडिशन क्रीड्स एटसेट्रा, और जैसी ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिलाया उसके बाद वचन घटता जाता है और क्रीड्स एंड डॉगमास और रिचुअल्स चढ़ते चले जाते हैं। इन हिब्रू 13:7 इट सेज, देखो इब्रानियों 13:7 में लिखा हुआ है, इब्रानियों 13 और उसकी 7 आयत, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। जो तुम्हारे अगुए थे उनका अंत क्या हो, जरा इस पे ध्यान देना, उनके चाल चलन का अंत में क्या हिसाब रहा है। अगर उनका चाल चलन खुदा के वचन के अनुसार था, रहा, वचन का पालन उन्होंने किया, तो तुम भी वैसा ही करो। और अगर मालूम पड़ा कि पहले तो अच्छे थे बाद में बिगड़ गए, ध्यान रखना, पहले अच्छे थे सच्चाई पे चले बाद में बिगड़ गए, तो उनका पालन मत करना। ऐसे नहीं भैया, अब इन्होंने स्टार्ट किया था हमारे जीवन में, अब जो कुछ भी रहे अब तो हमें इन्हीं के पीछे चलना है। अरे भैया ये तो सच्चाई को छोड़ के कहां जा चुके हैं, देखो तो सही, ये तो ऑर्गेनाइजेशन बना चुके हैं, ये तो असच्चाई से भटक गए हैं, ये तो तमाम पॉलिटिशियन बन गए हैं। अब भैया जो उन्होंने करा था हम तो जानते हैं, अब जहां वो जाएंगे सो वहीं हम भी पहुंच जाएंगे, वो तो मरेंगे, अंधांधे को रास्ता दिखाओ और दोनों गड्ढे में जाओ। तो बाइबल कह रही है उनको, ओबे देम व्हिच हैव रूल ओवर यू Who have spoken to you the word of God? तो दरअसल में जो तुम्हें खुदा का कलाम सिखाते हैं बिना मिलावट का, वो अपने पीछे नहीं चलवाते हैं, वो खुदा के वचन के पीछे चलाते हैं। तो वास्तव में आपकी जिंदगी में जो हुकूमत करने वाला है वो व्यक्ति नहीं है बल्कि खुदा का कलाम है। लेकिन जो खुदा के कलाम के अलावा आप क्रीड्स एंड डॉगमास लेकर के आते हैं, रिचुअल्स लाते हैं, उनको सिखाते हैं, डोंट फॉलो देम, वो सच्चाई पे नहीं चल रहे हैं, वो आपको गड्ढे में गिरा देंगे, आपको नरक में उतार देंगे। देखिए
रूल करने वाला या तो खुदा का कलाम है और या फिर शैतान की तरफ से भेजा गया इंसान का कलाम है, तो दोनों तरफ से है। तो चर्च एक औरत है, एंड हर रूलर इज द वर्ड, जीसस इज द वर्ड, यीशु मसीह है वचन, यीशु मसीह कलीसिया को चलाने वाला, अपनी पत्नी को चलाने वाला है। इफ शी रिजेक्ट्स द वर्ड एंड टेक्स एनी अदर लीडरशिप और हेडशिप, अगर कलीसिया चाहे पूरी चाहे कुछ मेंबर खुदा के वचन के अधिकार को रिजेक्ट कर दें और किसी दूसरे की हेडशिप को कि वो चला, हेड का मतलब चलाने वाला, सर, सर सारी बॉडी को चलाता है, कलीसिया को यीशु मसीह चलाता है, यीशु मसीह खुदा का वचन है, अगर वचन के चलावे से आप अपने आप को अलग कर लें, एक और दूसरा चलाने वाला जिसे कहते हैं डिनोमिनेशन, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एंड नबी ने बताया है ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ द डेविल, डिनोमिनेशन इज ऑफ द डेविल, बड़े खतरनाक स्टेटमेंट है ये, बट मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं इसमें सच्चाई कितनी है और सच्चाई हमेशा सर चढ़ के बोलती है, वरना किसी का अगेंस्ट कहना इतनी हल्की बात नहीं है। डिनोमिनेशनल जो सिस्टम है दैट इज ऑफ द डेविल, नॉट ऑफ द गॉड, गॉड सिस्टम इज हिज वर्ड। तो यदि आप एक आदमी की हुकूमत में रहेंगे वो है यीशु मसीह अर्थात खुदा का वचन, और इसके नहीं तो दूसरा एक और हस्बैंड है जिसको कहते हैं डिनोमिनेशनल सिस्टम, रूल्स रेगुलेशंस, वो आपको गवर्न करेगा। अगर डिनोमिनेशनल रूल्स रेगुलेशंस गवर्न करेंगे आपको नरक में उतार देंगे, अगर वर्ड ऑफ गॉड आपको गवर्न करेगा आपको हेवन में पहुंचा देगा। तो बिल्कुल सिंपल सीधी सी बात है। एक बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, आप कोई भी एक चर्च बता दीजिए रजिस्टर्ड जिसने खुदा के वचन में मिलावट करके, या यूं कहो वचन को हटा करके, क्रीड्स एंड डॉगमास एंड रिचुअल्स ना मिला दिए हो तो बताइए। हर ऑर्गेनाइज्ड डिनोमिनेशन क्या करता है, वचन लेता है और उस सच्चाई में अपने क्रीड्स, अपने डॉगमास, अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस घुसेड़कर मिला देता है और इस को पेश करता है, यही सत्य है, यही सब मानेंगे। जब मेंबरशिप का फॉर्म भरा जाता है किसी भी चर्च का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो पहला स्टेटमेंट होता है आई शेल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों सिंह साहब, मैं इस संस्था की ऑर्गेनाइजेशन के सभी कायदे कानूनों का वफादारी से पालन करूंगा। यहां से भाई साहब और बहन जी शुरुआत होती है, अभी तो रूल भी ना पता कौन से हैं, रेगुलेशंस भी ना पता कौन से हैं, कौन सा क्लॉज, कौन सी सब क्लॉज, कौन सा पार्ट वन, कौन सा बी, कौन सा सी, पहले ही लिख दिया कि मैं इस संस्था के सभी नियमों का वफादारी से पालन करूंगा। कौन से हैं वो तो कई पन्ने हैं, और आखिर में अपने साइन करो, नाम लिखो, फोन नंबर, एड्रेस डाल दो, बस कट गए हाथ आपके। जिस दिन आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कुछ भी किया, संस्था कहती है बच्चों को छींटे का बपतिस्मा दिया जाएगा, आपने कहा बाइबल कहती है बड़ों का होगा, तौबा करने के बाद डूब का यीशु मसीह के नाम में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नियम है हम बच्चों को देते हैं बड़ों को नहीं देते। भैया बाइबल कह रही है, कहती रहे, आप बताइए आप बाइबल के मेंबर हैं या चर्च के मेंबर हैं हमारे, आपने सारे साइन करके दे रखा कागज पर, क्या है, यू आर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट द मेंबर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल हैव टू फॉलो दैट। इजाबेल कैसे मारती है बहका बहका कर, भरमा भरमा कर लोगों को, कि करोड़ों की तादाद में आज मरे पड़े, दुनिया में काउंट कीजिए, आप सोचिए, अंदाजे लगाइए, इस दुनिया में करोड़ों की आबादी में कितने करोड़ हैं तो इजाबेल के बंधन में बंधे हुए हैं, और कितने गिनतियों पर हैं जो उससे बचे हुए हैं बाहर। नबी कहता केवल एक छोटा सा झुंड अंतिम दिनों में ऐसा पैदा होगा, ऐसा आएगा जो इस संस्था से निकल करके बाहर आएगा, इस तंत्र से निकल के बाहर आएगा, और वो केवल मसीह की दुल्हन होगी जो वहां घुटना नहीं टेकेगी, जो वहां थे बंधन में
वहां से निकल के आएंगे। लेकिन अगर कोई निकला हुआ वहां बंधन में जाएगा तो मैं कहा तुमसे बड़ा तो मूर्ख और कोई इंसान नहीं कि तुमने रोशनी भी पाई, सच्चाई भी देखी और उसके बाद फिर वहीं जा मरे। तुमने तो समझ लो अपना सुसाइड कर लिया। आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इजाबेल के लिखा हुआ उसके बच्चों के लिए, और मैं उसके 23वें आयत में, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। अरे रोमन कैथोलिक माता कलीसिया है, ये सही बात है। पहली सबसे बिगड़ी कलीसिया 325 एडी में वो रोमन चर्च है, और इस रोम में से निकल के प्रोटेस्टेंट आए हैं और इन्होंने फिर अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। ये उसकी बेटियां हैं, माँ है रोमन चर्च, बेटी है प्रोटेस्टेंट चर्च। जब मार्टिन लूथर की अगुवाई में निकल के आए बहुत अच्छा हुआ। जॉन विक्लिफ जिसकी अगुवाई में सबसे पहले प्रोटेस्ट करके लोग बाहर निकलना चालू हुए हैं, बहुत बढ़िया था। लेकिन चूंकि बेटियां बाहर आई, इन्होंने फिर लूथरन चर्च बना लिया, मैथोडिस्ट चर्च बना लिया, एंग्लिकन बना लिया, पेंटिकॉस्टल बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। माताजी में से निकल के बेटियां पैदा हुई और प्रोटेस्टेंट ऑर्गेनाइज चर्च बन गए। खुदावन का कलाम कह रहा है मैं माता को भी जलाऊंगा। 17वें अध्याय पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य, किस प्रकार से इसके मांस को खा जाएंगे, आग में जला देंगे, और दूसरी तरफ इसकी जो बेटी है उनको मैं क्या करूंगा, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और सब कलीसियां जाने लेंगी कि हृदय मन का परखने वाला मैं ही हूं। इनको भी मारा जाएगा, ये भी ट्रिबुलेशन में जाएंगे, ये आग से जलाए जाएंगे। ग्रेट ट्रिबुलेशन आने वाला इंतजार कर रहा, जो मर गए वो लेक ऑफ फायर में जाएंगे और जो जिंदा रहे वो ट्रिबुलेशन में जाएंगे। आप देख रहे हैं मैसेज कितना साफ है, ब्राइड जो नहीं जाएगी ट्रिबुलेशन में, ब्राइड रैप्चर में जाएगी खुदा के पास। एक दृष्टांत है 10 कुंवारियों वाला, उसमें 5 कुंवारियां थी जिनके पास तेल अर्थात पवित्र आत्मा नहीं था, और जब वो लौट के आई कहती खोल दे दरवाजा हम लौट आ गए हैं, तो अंदर से क्या आवाज आई, इन्हें हाथ पैर बांध कर अंधेरे कुंडों में डाल दो। जहां अंधेरे कुंड कौन से हैं, हेल नरक, अंधेरे कुंडों में डाल दो मतलब हेल में डाल दो इन्हें, जहां रोना और दांतों का पीसना है। तो अंधेरे कुंडों में जाना है, आग से जलना है, तड़पन में जाना है, ट्रिबुलेशन में जाना है। इन तमाम बेटियों को जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस कहलाते हैं, उनमें से अगर खुदा के बच्चे और बेटिये बेटियां हैं जो ब्राइड है, वो जरूर इन डिनोमिनेशन से निकल के बाहर आ जाएंगे। जो नहीं आए तो फिर आग से तो जलना ही जलना है और नरक में जाना ही जाना है, और आखिरकार लेक ऑफ फायर में तो तबाह होना ही होना है। तो वो कह रहा है कि सेकंड डेथ अर्थात इनको व्हाइट थ्रोन जजमेंट पे भी मारा जाएगा, और इंग्लिश में तो लिखा है लेट देम बी पुट टू डेथ बाय डेथ। चूंकि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है इसलिए आत्मिक रीति से मर गए, अब इस मौत के कारण इनको आग की झील में मारा जाएगा। पहले स्पिरिचुअल डेथ बाय ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन सेकंड डेथ व्हिच इज द लेक ऑफ फायर व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बाद, है ना। देखो यहूदी लोग जब तक अलग रहे ठीक थे, बलाम ने गड़बड़ कराया, कईये को मरवाया, फिर भी चलो चल रहा था। लेकिन जैसे ही जजबेल ने आकर शादी करी है अहाब से, और यहोराम ने शादी करी अतल्या से, उसके बाद तो जो इनके आइडोलेट्री की जो मार पड़ी है तो बुरी तरीके से यहूदी भी खत्म हो गए। देखो जब तक शादी नहीं हुई थी यहोराम की तब तक सब ठीक ही था, भाई आप मरा, इसराइली मर गए, ठीक है ना। बाकी यहूदियों तुम्हारा क्या ख्याल है, यहूदियों तो ठीक था कि नहीं थे, तो बैठे भाई पानी पी रहा हूं भर रहा हूं। भाई आहाब के साथ 12 गोत्र बर्बाद हो गए एलिया के जमाने में, ये बताओ यहूदा के राज्य का क्या हाल था, जब सही थे भाई यहूदा का राज यहोशापात वाला तो ठीक था, वहां तो कोई परेशानी थी नहीं, सही चल रहा था। लेकिन जब यहोराम ने यहोशापात के बेटे ने अतल्या से शादी करी,
और बाइबल बताती है वो शादी करके उसका दामाद बन गया। यहोराम अतल्या से शादी करके अहाब और इजाबेल का दामाद बन गया, और तब से जो बिगाड़ यहूदा में शुरू हुआ वहां तक ठीक था उससे पहले। जैसी शादी यहोराम ने करी है, अतल्या कम थोड़ी है, मम्मी की प्यारी बेटी है, वो मारते खां चीज है, पूरी पीएचडी करे हुए है वो। उसने आकर के सारे यहूदा को भी भ्रष्ट कर दिया। अब बोलो कहां बचा कौन? इसराइली खत्म हो गए, इधर यहूदी भी खत्म हो गए। यही काम किया माताजी ने, जितने माताजी के मेंबर बने रोम के उन्हें तो किया ही किया भ्रष्ट। इनकी बेटी जो अतल्या अर्थात प्रोटेस्टेंट निकल के आए, जब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो जो बच्चे को जेते उनको इन्होंने कर दिया भ्रष्ट। अरे रोम में जाओ तो भ्रष्ट और प्रोटेस्टेंट में जाओ तो भ्रष्ट, अब भैया बच्चे कहां? लूथरन ऑर्गेनाइज डेथ केम इन दैट एंड दे डाइड, पेंटिकॉस्टल ऑर्गेनाइज एंड दे डाइड। एक मजेदार बात सुन, दैट मैरिज ब्रॉट डेथ, देन द लाइट ऑफ वननेस ऑफ गॉड हेड केम। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिनिटी चल रही थी, लेकिन इससे पहले कि 20वीं शताब्दी शुरू हो, वननेस की अर्थात एक ही खुदा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह है, ये वननेस की रोशनी आई भाई ब्रैनम से पहले। वननेस की रोशनी आई और लोगों ने उसमें चल करके बड़ा अच्छा खुदा को स्वीकार करा और अनंत जीवन पाया, लेकिन देन द लाइट ऑफ वननेस ऑफ द गॉड हेड केम, दे ऑर्गेनाइज एंड दे डाइड टू। आपको माने भाई ब्रैनम ने एक मीटिंग अटेंड करी थी मिशवाका रिवर के पास, जहां पर पेंटिकॉस्टल लोग थे, जहां पर उनको ही बोलने का मौका मिला था। खेत में सोए थे रात में, है ना, उनकी पहली मीटिंग थी, और जहां पर उन्होंने दो देखे थे अन्य भाषा में बोल रहे थे, एक बात सही बंदा था, दूसरा बहुत गंदा था। देवर द पेंटिकॉस्टल, देवर द वननेस पीपल, वननेस का जो गॉड हेड का जो एक ही खुदा है, और यीशु नाम का बपतिस्मा है भाई ब्रैनम से कम 20 साल पहले आया था और लोग उसमें चले, लेकिन कुछ समय चलने के बाद जो वननेस वाले थे वो भी ऑर्गेनाइज हो गए। आप अगर थोड़ी सी खोजबीन कर लीजिएगा, पूछताछ कर लीजिएगा, जो सबसे पहले जो ओरिजिनल पेंटिकॉस्टल थे, देवर द वननेस पीपल, उन्हीं वननेस पीपल में से निकल के आए असेंबलीज ऑफ गॉड, जो कि हो गए ट्रिनिटेरियन। इसी वननेस में से निकल कर आए पेंटिकॉस्टल, जो कि हो गए ट्रिनिटेरियन। तो जो वननेस वाला वन गॉड, आज पेंटिकॉस्टल सब ट्रिनिटेरियन है, असेंबलीज ऑफ गॉड सब ट्रिनिटेरियन है, बिलीवर सब ट्रिनिटेरियन है, तो वो वननेस कहां गया? वो वननेस आया था और वो वननेस भी ऑर्गेनाइज हो गया और वो भी खत्म हो गया। फिर देखिए, देन आफ्टर द फायर्स ऑफ गॉड फेल ऑन द ओहियो रिवर इन 1933, मिलाइए अब सब चीजें, जो वननेस आया था पेंटिकॉस्टल वननेस बिल्कुल सही वाला, वो भी ऑर्गेनाइज होकर के खत्म हो गया। फिर उसके बाद 1933 में ओहियो रिवर पर 11 जून की बात है, जब दोपहर में उस सितारा से चमकता हुआ आया था पिलर ऑफ फायर और आकाशवाणी हुई थी, जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली कमिंग से आगे अनाउंसर था, वैसे ही तुम्हें भेजा जाता है मेरी दूसरी कमिंग से पहले। और इसको एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका ने रिलीज किया, कनाडा ने रिलीज किया विद फोटोग्राफ एंड आर्टिकल्स, सारी दुनिया में छपा, सारी दुनिया में जाना गया कि आज ओहियो रिवर पे दोपहर के टाइम 11 जून को, अभी निकल गई 11 जून, आज क्या है 16 है ना, अरे इसी हफ्ते की बात है यार, 11 जून को जब पिलर ऑफ फायर उतर के आया, भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, और 4,500 लोग वहां पर मौजूद थे, कितने बेहोश हो गए, कितने चक्कर खा गए, कितने नाव के अंदर छुप गए, कितने भाग गए, और वहां पर जब करीब 400 लोगों ने बैप्टिज्म लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आकाशवाणी हुई स्वर्ग से जबरदस्त, जिसे सबने सुना कि जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरा पहला पेशरो था,
वैसे ही तुम मेरी दूसरी आमद के पेशरव होगे। और उसके बाद से जो वननेस का कंसेप्ट आया है, गॉडहेड आया है, अ हीलिंग रिवाइवल स्वेप्ट द वर्ल्ड बट इट नेवर केम थ्रू एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये वाला संदेश जो है अपने आप में कभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। गॉड वेंट आउटसाइड द पेंटिकॉस्टल ग्रुप, खुदा तो पेंटिकॉस्टल ग्रुप के बाहर चला गया, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चला गया, चर्चेस के बाहर चला गया, क्योंकि ही कैन ओनली वर्क थ्रू द लिविंग मेंबर्स। दोज लिविंग मेंबर्स आर आउटसाइड ऑफ बेबीलोन द ऑर्गेनाइजेशन। जो खुदा के लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, वो बाबुल के बाहर हैं, कंफ्यूजन के बाहर हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, और उनके थ्रू ही खुदा ने काम किया है और उनके थ्रू ही खुदा काम करेगा। सो यू सी, डेथ और ऑर्गेनाइजेशन इज द सेम थिंग। ऑर्गेनाइजेशन कह लो का मतलब आत्मिक मौत, स्पिरिचुअल डेथ का मतलब है ऑर्गेनाइज हो जाना। डेथ ऑर्गेनाइजेशन केम एंड द चर्च डाइड। और ये कहा जाए कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर मृत्यु ही पाई जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन, सो नाउ ऑर्गेनाइजेशन हैज ब्रॉट डेथ, फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ डबल करप्शन। ऑर्गेनाइजेशन दो करप्शन का मेल है, फर्स्ट निकोलाइटन, सेकेंड बलाम इज प्रोपोगेटेड बाय द प्रोफेटेस जेजेबेल। पहली चीज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है निकोलाइटन वहां पर आ गया है, दूसरी चीज बिलाम की शिक्षा वहां पर आ गई है, और इन तीनों को ट्रेनिंग देके जो लागू कर रही है संस्था इजाबेल, ये प्रोफेटेस है, उसको सिखा सिखा करके आगे बढ़ाती चली जा रही। ऑर्गेनाइजेशन इज डेथ। जब हव्वा ने पाप किया था तो कम से कम आदम ने बीच में आकर के टांग अड़ाई और उसके साथ शरीक हुआ ताकि किसी प्रकार से उसे बचा ले, हुआ कि नहीं? जब लोगों ने पाप किया आदम के बाद तो एक दूसरा आदम आया जिसने टांग अड़ाई और कहा कि लो मैं तुम्हें बचा लेता हूं, तुमने गड़बड़ क्यों किया है, मैं तुम्हें बचा लेता हूं, आ जाओ मेरे पीछे। लेकिन यीशु मसीह के बाद जब गुनाह में इंसान जाएगा तो तीसरा आदम कहां से लाओगे? ढंग से सोचिए, आदम ने बचा लिया हव्वा को और यीशु मसीह ने बचा लिया कलीसिया को। अब जो जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन इज द डेथ। बड़ी जबरदस्त बात है, यीशु मसीह से पहले लोगों ने कुछ अपने अपने फकीर फरीसियों के नियम कानून बना लिए थे, जो उस जमाने की संस्था थी, उनसे बचाने के लिए यीशु मसीह ने जान दे करके बचा लिया, तो बच गए लोग, है ना? लेकिन अब कौन बचाएगा? अगर संस्था के अंदर आप घुस गए, मेंबर बन गए, स्वीकार कर लिया ऑर्गेनाइजेशन डिनोमिनेशन को, तो अब कौन बचाएगा आपको? यीशु मसीह के बाद और कोई नहीं है। तो आप यदि कहीं भी किसी संस्था डिनोमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बोनाफाइड बन के मृत्यु के साए में जी रहे हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं, बाहर निकल आइए, छोड़ दीजिए संस्था को और खुदावन के कलाम वचन की मातहती में आकर अनंत जीवन पा लीजिए। उन्हीं को बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। संस्था में जब तक फंसे रहोगे तब तक के लिए कुछ भी नहीं है। आज यहीं छोड़ देते हैं। बहुत उम्मीद थी कि कर दूंगा खत्म, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच लिए, खुदावन के अनुग्रह से 11 जून 1933 से लेकर के 2019 के जून तक लगभग 80 ईयर्स हो गए हैं, लगभग 80 साल हो गए हैं। और इन 80 सालों में जो खुदावन ने रोशनी भेजी, आनंद जीवन का संदेश दिया,
आए मेरे लोगों उनमें से निकल आओ। इस वाली आयत को पढ़ी दूं, आई प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 18, आप लोग ये 17वां अध्याय पढ़ के आना, 13 और 17 अध्याय, 13, 14, 15, 16, 17 पढ़ के आना अगले संडे, 18वां भी पढ़ लेना। 18 अध्याय उसकी 4वीं आयत में पढ़ रहा हूं, बल्कि 1वीं आयत से पढ़ दूं 4वीं आयत तक। यहाँ डिनोमिनेशन की बात हो रही है, और वो ओल्ड रोमन चर्च क्या है और उसकी संस्थाएं क्या है। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बाबुल, गिर गया है। बाबुल गिर गया अर्थात कन्फ्यूजन खत्म हो गया, क्लियर हो गया, पर्दाफाश हो गया है, चर्च का पर्दाफाश हो गया है। और दुष्टात्मा का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। चर्च क्या हो गया? रोमन चर्च, ऑर्गेनाइजेशन चर्च क्या हो गया? अशुद्ध पक्षी। अशुद्ध पक्षी कहते हैं गलत शिक्षा, डॉक्ट्रिन, हवाएं। अशुद्ध पक्षी का, दुष्टात्माओं का निवास और अड्डा। अरे चर्च दुष्टात्माओं का हो गया, बाइबल कह रही है, इसलिए कह रहा हूं 13 से 18 चैप्टर पूरे पढ़ के आना अगले संडे। चर्च जो है, कलीसिया जो ऑर्गेनाइज चर्च है, सबकी बात नहीं हो रही है, जो ऑर्गेनाइज कलीसियाएं हैं, जो डिनोमिनेशन बन चुके हैं, वो एक दुष्टात्मा का अड्डा हो गए हैं, अशुद्ध पक्षी का अड्डा हो गए हैं। लेकिन खुदा का शुक्र करो, एक फरिश्ता आया, 7वां दूत आया, जिसने ऐसी रोशनी फैला दी, सारा संसार प्रज्वलित हो गया उसके वचन से, संदेश से, ऐसा नूर से भर गया कि उनके दिमागों में चमक गया कि दुष्टात्मा क्या होती है, डिनोमिनेशन क्या होता है और सच्ची कलीसिया क्या होती है। क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गईं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया, और पृथ्वी के व्यापारी और सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। इस चर्च के कारण बहुत से व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन, राजा, महाराजा, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, कोई नहीं छोड़ा, सबको इसने लपेटे में ले लिया, और इसकी मदिरा पी है सबने, अर्थात इसकी शिक्षा सबने स्वीकार करी है, इसकी डॉक्ट्रिन सभी ने मानी है, इसके रिचुअल सभी ने माने हैं, इसके प्रोग्राम फंक्शन को सभी ने माना है, सब नशे में धुत हैं। 4वीं आयत, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना, स्वर्ग से आ रही आवाज है, नरक से नहीं आ रही है, कि हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। अरे मेरे लोगों, तुम जो डिनोमिनेशनल तंत्र में बंधे हुए हो, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में बंधे हो, तुम जो चाहे रोमन चाहे प्रोटेस्टेंट चाहे ऑर्गेनाइज रिलीजन में बंधे हुए हो, अगर मेरे लोग हो तो उसमें से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसके साथ जब भाग लोगे, पापों में भागी होगे, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। उसको तो मैं आग से जला के मारूंगा, उसको तो नरक में उतारूंगा, उसको आग की झील में डालूंगा, अगर तुम उसके साथ जुड़े रहे, चिपके रहे, बंधे रहे, तो तुमको भी वहीं उतार दूंगा। इसलिए मेरे लोगों, खुदावंद की आवाज है, मेरे लोगों, अगर तुम किसी तंत्र के बंधन में पाए जाते हो, किसी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में फंसे हुए हो, वहां से निकल आओ। खुदावंद आजादी का पैगाम देता है, निकालने का पैगाम देता है, बचाने का पैगाम देता है, गुनाहों की माफी का पैगाम देता है। आज की मौत ऑर्गेनाइजेशन की मौत है, और खुदा का कलाम कह रहा है, आए मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, और खुदा के कलाम में आकर समा जाओ। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज यहाँ से ख़त्म करना चाहूँगा, आधा में से छूट गया है, इसको फिर हम अगले संडे देखेंगे। तब तक प्रभु हम सबको अनुग्रह दें कि हम उसके वचन और उसकी सच्चाइयों में चलने पाएँ, और शैतान की जो गलत बातें हैं, लुभाने वाली बातें हैं, उसके शिकार ना हो सके। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हे दुल्हन हो तैयार, हो चुकी देख अब आधी रात, ठीक कर ले या तेरा आता है दुल्हा तेरा। समय बहुत हो चुका है यीशु मसीह का आने का और दुल्हन को ले जाने का, और उसके लिए एक आह्वान हो रहा है कि हे दुल्हन, अगर तुम दुल्हन हो तो हो जाओ तैयार। पहली चीज, दुल्हन संस्था में फंसी हो सकती है, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो दुल्हन नहीं है। अगर फंसी रह गई तो फिर ये होगा, काश कि हम ऐसा कर लेते,
काश कि हम वैसा कर लेते। अरे सुना तो था, भाई ने बड़े साफ साफ समझाया भी था, लेकिन हमारी मत कटी थी जो हम फिर भी रह गए। सोचते रहे जब लड़की की शादी हो जाएगी तब निकल आएंगे, सोचते रहे जब पिताजी खत्म होकर कब्र पहुंच जाएंगे तब निकल आएंगे। इस चक्कर में रह गए तो रह जाओगे मेरे भाई और बहनों, इसलिए इस गाने को गाएंगे। सभी को जान, सभी को मालूम है, ये दुल्हन हो तैयार हो चुकी दे कबादीरा, ठीक कर ले किया संदेश सुना है, दुल्हन हो तैयार हो चुकी देख आधी रात, कभी प्रभु आने वाला है, आएगा अपनी दुल्हन को ले जाएगा। यदि आप उसके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रहना चाहते हैं ताकि दुल्हन बनकर उसके साथ जा सके, तो
तो आपके लिए मौका है, आप उसकी राहों में चलें, उस रोशनी में चलें जो खुदा ने अपने पवित्र वचन के बिना मिलावट के कलाम में दी हुई है। यदि आप चाहते हैं उसमें चलना और उसमें आगे बढ़ना, उस रोशनी बने रहना, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे आखिरी, और आप चाहते हैं तो आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि आपने अंतिम समय में जो रोशनी भेजी है उसने हमारे दिलों को और आँखों को रोशन कर दिया है, और बहुत सफाई के साथ समझा दिया है कि आप अपने वचन में पाए जाते हैं, आप संस्थागत तंत्र में नहीं पाए जाते, आप डिनोमिनेशन के सिस्टम में नहीं पाए जाते हैं, आपके बड़े चुने हुए कीमती बच्चे उन शैतानी बंधनों में कहीं कहीं गुलामी में पाए जाते हैं। मेरी प्रार्थना प्रभु, जो वहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं और आपके चरणों में आकर अनंत जीवन आजाद पाना चाहते हैं, गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, प्रभु आप उनको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें ताकि तमाम ऑर्गेनाइजेशनल डिनोमिनेशनल बंधनों को तोड़कर छोड़ करके स्वतंत्र होकर के आपके वचन में आ जाएं और आपकी मातहती में आके अनंत जीवन, गुनाहों की माफी और वो स्थान हासिल कर लें कि आपके दुल्हन के रूप में आसमान पर पहुंचाए जाएं। जबकि बड़ी वैश्या और उसकी बेटियों को जलाए जाना, आग और गंधक में तड़पना है, आखिरकार मृत्यु में जाना ही जाना है, उसमें से प्रभु आपके बच्चे निकल सकें, आप अपने बच्चों तक अपने संदेश को अपने तरीके से पहुंचा दें। मेरे भाई बहनों ने हाथ खड़े किए हैं, इनको शक्ति और सामर्थ दें कि सच्चाई में चलने के कारण से ये कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे घुटने ना टेकें, कभी संस्थाओं में जाके शरीक ना हों और कभी भी उस पशु की छाप को ना लें जो कि आज़ादी से छोड़ा करके ले जाता है, बल्कि प्रभु पवित्र आत्मा की छाप से सील रहें और आनंद जीवन पाकर स्वर्ग में जाने पाएं। आपका बड़ा धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर, हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत हर एक ईमानदार को और ख़ास तौर से गोशेन की कलीसिया को के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। Till we meet, Jesus, we are. खुदावंद यीशु मसीह की सब भाई बहनों को जय मसीह की, प्रभु आप सबके साथ हो। प्रोग्राम